तो देखिए यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे सारे जो भी प्रोविजन है पोस्टर के रिगार्डिंग, एक बार रिकैप कर लेते हैं, है ना, सारी चीजें कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। देखिए सेक्शन 154, सेक्शन 154 जो कि डील करता है एफआईआर से। तो जब भी आप एफआईआर लॉन्च करते हैं किसके पास लॉन्च करते हैं, हम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास जब भी हम एफआईआर लॉन्च करते हैं, कौन से ऑफेंस की, कॉग्निजेबल ऑफेंस की, ध्यान रखना कॉग्निजेबल ऑफेंस की जब हम एफआईआर लॉन्च करते हैं, उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर है वो यहाँ पे कौन सा पुलिस ऑफिसर है, मैं फिर से वही लिख देती हूँ, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ओआईसी। सेक्शन 157 में दो काम करता है। सबसे पहले वो इन्फॉर्म करता है मजिस्ट्रेट को कि सर देखिए ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपनी स्टार्ट कर देता है, उस प्लेस पे जाता है जहां पे वो ऑफेंस हुआ है। ठीक है, 157 में हमने ये चीज पढ़ी। देन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जब चल रही है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन दो चीज मैंने आपको बताई थी कि 161 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो स्टेटमेंट होते हैं किसके, विटनेस के, कौन रिकॉर्ड करता है, बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के थ्रू होते हैं। और दूसरे मैंने बताए थे 164 के, जो कि आज के सेक्शन, आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ये होते हैं कन्फेशन स्टेटमेंट्स, कन्फेशनल स्टेटमेंट्स, और एक दूसरे होते हैं स्टेटमेंट्स, नॉर्मल स्टेटमेंट, और इन्हें रिकॉर्ड कौन करता है, इन्हें रिकॉर्ड करते हैं हमारे मैजिस्ट्रेट, ठीक है, मैजिस्ट्रेट के थ्रू ये रिकॉर्ड हो जाते हैं। नाउ इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस चल रहा है हमारा, ये अब कंक्लूड जब होता है तो यहाँ पे दो रिपोर्ट फाइल हो सकती है। एक को मैंने बताया आपको, क्या बोला मैंने इसको, यहाँ पे फाइनल को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा बोलते हैं यहाँ पे इसको चालान, इसके तीन नाम है, ये फाइनल एक सेकेंड, ये क्लोजर रिपोर्ट है, सॉरी फॉर दिस, ये क्लोजर रिपोर्ट है, ये क्लोजर रिपोर्ट है, ठीक है, ये क्लोजर रिपोर्ट होती है हमारी, और ये चालान जिसे हम चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट, और ये तीनों नाम से बोलते हैं, ये तीनों है ना, तो एक ही हम करेंगे इसमें। अब ये जो है ये कौन किसको फाइल होती है, स्टेट को फाइल होती है, मैजिस्ट्रेट को फाइल, ठीक है, कौन से सेक्शन में, कौन से सेक्शन में ये होती है, 173(2) में। अब जब 173(2) में ये फाइल हो रही ना, तो इसको एक ही नाम दे देंगे हम, क्या बोलेंगे, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, जो कि 2R में डिफाइन है, ठीक है, उसको अब हम क्लोजर रिपोर्ट या चार्जशीट नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट, दोनों को कॉमनली हम पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। 173(2) में जब मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट फाइल हो जाती है, उसके बाद मैजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेते हैं, ठीक है, कॉग्निजेंस लेते हैं, और ये कॉग्निजेंस कौन से सेक्शन का होता है, 191 के ए का, ठीक है, बी का, सॉरी पुलिस रिपोर्ट पे 191 के कॉग्निजेंस कौन लेता है, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। सेकंड क्लास जो है वो सीजीएम से एम्पावर्ड होना चाहिए, तभी वो कॉग्निजेंस देते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज, हमारा सेक्शन है 173, देन आफ्टर 164, एंड एक सेक्शन और है 167। देखो 167 यहां पे आ जाएगा। 167 का रोल पहले है, सबसे पहले कैसे रोल पहले, मैं बताती हूँ आपको कैसे, एक बार हम यहीं पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी है आज फर्स्ट में को, आज हमार लीजिए फर्स्ट में है, फर्स्ट में या फिर एट्थ में भी ले लीजिए, आज एट्थ में है, तो नाइन्थ में तक कितने आवर्स गुजर जाते हैं, यहाँ पे 24 आवर्स जाते हैं। तो अगर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और ये इन्वेस्टिगेशन में 24 आवर्स जो है ये इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर, ये 24 के अंदर अंदर, टाइमिंग के अंदर अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, अब आप बोलोगे 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन कैसे कंप्लीट हो सकती है, भाई बात ये है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी, ये तो ऑब्वियस बात है, बट यहाँ पे ये प्रोविजन इसलिए है क्योंकि हम अक्यूज्ड को कहाँ पे रखे भाई, अक्यूज्ड को उस जेल में रखना है जहां पे पुलिस स्टेशन होते हैं, या फिर वहां पे रखना है
जिसे हम जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज कस्टडी होती है, ठीक है, एक होती है पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। तो ये 24 आवर्स में अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन ओवर नहीं होती, 8 तारीख को हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, 9 तारीख तक वो कंप्लीट नहीं होती, तो 9 तारीख वो 24 घंटे 24 आवर्स लेप्स होने से पहले पहले आपको मैजिस्ट्रेट के पास अप्रोच करना पड़ता है, किसको, पुलिस ऑफिसर्स को, और वहां पे उनको बोलना पड़ता है कि सर देखिए हमारी इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हुई, बट देयर इज एग्रीगेट ग्राउंड, यहाँ पे एक एडिक्वेट ग्राउंड है, जो एक्विजिशन है वो वेल फाउंडेड है, तो सर आप ऐसा कीजिए इस अक्यूज्ड की या तो पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी जो है वो सेंक्शन कर दीजिए। इतनी सी बात मैं आपसे अभी डिस्कस कर रही हूँ, आगे हम पढ़ेंगे। तो मैंने क्या यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया ना, इसलिए मैंने आपको हैंड टू हैंड इस चीज को समझा दिया कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के 24 आवर्स के अंदर, ये 161 के स्टेटमेंट जो है आप एनी टाइम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, नो टाइम पीरियड इज फिक्स्ड फॉर दिस पर्पस। 164 के स्टेटमेंट्स भी हैं, आप कभी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम करेंगे 173 को, क्योंकि ये हमारे लिंकिंग है, और उससे पहले भी हमें करना है एक 172 का प्रोविजन, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, 172 डील करता है डायरी ऑफ द प्रोसीडिंग इन द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। आपके बोलने पर मैंने एक चीज यहाँ पे देखी, देखिए यहाँ पे तीन चीजें पहले समझ लीजिएगा, एक तो होता है एफआईआर बुक जिसमें एफआईआर ही मेंशन होती है, एफआईआर मतलब जहां पे आप एफआईआर लॉजेस होती है ना, एफआईआर लॉज होती है, एफआईआर बुक बोलेंगे इसको, रोजनामचा बोलिए और एफआईआर बुक ही बोलिए इसको, ना तो आपको केस डायरी बोलनी है, ना जनरल डायरी बोलनी है, ना डेली डायरी बोलनी है, इसको सिर्फ आप और सिर्फ एफआईआर बुक बोलेंगे। इसके रिगार्डिंग लेटेस्ट जजमेंट है शैलेंद्र यूपी का केस है, शैलेंद्र कुमार है, एक बार हम देख लेंगे लिखा हुआ मेरे पास जजमेंट, तो शैलेंद्र कुमार वर्सेस यूपी का जजमेंट है, रीसेंट है ना, तो मैं आपको बता देती हूँ 2024 का फरवरी का जजमेंट है। तो एफआईआर बुक जो है ना उसमें आप एफआईआर लॉन्च करते हैं। फिर दूसरी होती है हमारे पास केस डायरी, देखिए ये केस डायरी, ये जो केस डायरी में आप समझिएगा स्पेसिफिक कोई केस हो रहा है, जैसे मान लीजिए एक केस है रेप का, तो उस रेप के रिगार्डिंग केस डायरी अलग बनेगी, कोई मर्डर का केस है मर्डर की केस डायरी अलग, ये केस डायरी अलग। इस केस डायरी में क्या मेंशन होता है, इस केस डायरी में ये मेंशन होता है कि अगर कोई स्पेसिफिक केस, अगर मतलब रेप का केस हुआ है, तो उस रेप के केस के इंफॉर्मेशन के बाद जो पर्सन है, जो पुलिस ऑफिसर है, वो किस किस प्लेस पे गया है, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस उसके नॉलेज में आए हैं, कब उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है, कब उसकी इन्वेस्टिगेशन क्लोज हुई है, ये सभी जानकारी है पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस के रिगार्डिंग केस डायरी में मेंशन की जाएगी, जिसके नेम से ही आपको पता चलेगा। फिर होती है जनरल डायरी जिसे हम बोलते हैं स्टेशन डायरी, और इसको हम एक और बोलते हैं डेली डायरी। ये तीनों एक ही चीज आप लिख लीजिएगा ना, ये शैलेंद्र कुमार वर्सेस यूपी का केस है, इससे हेल्ड हुआ है, इन दोनों के बीच का केस है, इन दोनों की स्टेशन डायरी, डेली डायरी और जनरल डायरी इज डिफरेंट फ्रॉम द एफआईआर बुक। एफआईआर बुक में सिर्फ आप एफआईआर लॉन्च करोगे, ठीक है, जनरल डायरी जो है, ठीक है, स्टेशन डायरी डेली डायरी इसमें क्या होता है, इसमें है ना जनरल जो बातें मेंशन होती है कि भी कितने ऑफेंस मतलब आपके पास रिपोर्ट हुए हैं, कितनों के लिए आपने एक्शन लिया है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा जो भी मतलब सारे क्यूमुलेटिव ऑफेंसेस के लिए होता है, स्पेसिफिक केस के लिए नहीं होगा, सब केसेस के लिए होता है जनरल डायरी। ये किसी एक स्पेसिफिक केस के लिए होगी, केस डायरी हर केस के लिए अलग अलग केस डायरी बनेगी, पर जनरल डायरी इज जनरल फॉर ऑल ऑफेंसेस, कितने ऑफेंसेस रिपोर्ट हुए हैं, किन की रिगार्डिंग क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वैसा वैसा जो भी बहुत सारी चीजें होगी वो लिखनी है, और एक एफआईआर बुक आपकी अलग से होगी। ये मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी है यहाँ पे कि हमारा एक पॉइंट था ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया इस 172 डील करता है केस डायरी के। तो केस डायरी में देखिए हर पुलिस ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसको हम बोलेंगे आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, डे बाय डे एंटर हिज प्रोसीडिंग, हर दिन अपनी प्रोसीडिंग जो भी कर रहा है इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग इस डायरी में एंटर करेगा। अब वो क्या क्या लिख रहा है देखिए, द टाइम एट द विच द इंफॉर्मेशन रीच टू हिम, किस दिन उसके पास इंफॉर्मेशन आई है, मतलब एफआईआर लॉन्च हुई है, द टाइम एट विच ही बिगन एंड क्लोज इन्वेस्टिगेशन, उसने कब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी है, कब क्लोज की है, किस किस प्लेस पे वो विजिट हुआ है, और कौन कौन से सर्कमस्टांसेस जो है उसके ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के कंटिन्यूस में
उसके नॉलेज में आए हैं, ये सारे सर्कमस्टांसेस उसको मेंशन करने पड़ेंगे। तो सिंपल प्रोविजन है कि केस डायरी में हमें क्या क्या मेंशन करना है। केस डायरी जो है ना, इसमें आप 161 की स्टेटमेंट भी लिखते हैं। मैंने आपको बताया केस डायरी जो होती है वो हमारे स्पेसिफिक केस से रिलेटेड होती है, 161 के स्टेटमेंट भी इसमें लिखे जाएंगे। फिर द डायरी जो है ये वॉल्यूम होगी और ड्यूली पेजिनेटेड होगी, मतलब इसमें ड्यूली पेजिनेटेड मतलब ऐसा नहीं स्पाइरल बाइंडिंग नहीं होगी, इसमें बिल्कुल अच्छे से है ना इसको पेजिनेटेड होगी, एक बुक टाइप होगी पूरी, है ना, ऐसा नहीं कि पेज इधर उधर बिखर रहे, अच्छे से बाइंड होगी। फिर 1B, 1A, 2, फिर क्या है, अ क्रिमिनल कोड में स्टैंड फॉर द पुलिस डायरी ऑफ केस अंडर इंक्वायरी इन सच कोर्ट एंड मे यूज सच डायरी नॉट एन एविडेंस बट एन एड इन इंक्वायरी। ये पॉइंट आपको मैं समझा। 172 का सबसेक्शन कौन सा है, ये हमारा 2 and 3 को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 2 सिंपल सी बात बोलता है कि जो हम केस डायरी की बात कर रहे हैं ना वो जो है सिर्फ एड में यूज होगी, मतलब हेल्प में यूज होगी, कोर्ट्स को हेल्प कर सकता है, रेफर कर सकता है, मतलब इसको देख सकता है, ठीक है, पर इसको हम एविडेंस नहीं हुआ। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि पुलिस ऑफिसर के सामने किए गए कोई भी स्टेटमेंट, इवन उसकी केस डायरी भी जिसमें वो सारी डिटेल मेंशन कर रहा है, वो एविडेंस नहीं होती है। पर जो सेक्शन 3 है इसका ये एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, कि कब ये जो केस डायरी है वो एविडेंस में यूज की जा सकती है। जनरली एविडेंस में यूज नहीं होती है, पर एक्सेप्शन ये है कि कब इसको हम यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोर्ट इस केस डायरी को रेफर कर रही है, इट डजंट मीन कि वो आप भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। कोर्ट अपने अकॉर्डिंग रेफर कर रही है, कोर्ट की पूरी पावर है। देखिए यहाँ पे कोर्ट इवन ध्यान रखना, कोर्ट इवन 161 के जो स्टेटमेंट हमने कल पढ़े थे उनको भी कोर्ट देख सकती है, कुछ भी कर सकती है। वो जो 161 की बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, 161 जो स्टेटमेंट है उनकी जो बाउंडेशन है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टीज के लिए है, प्रोसिक्यूशन ऑफ डिफेंस के लिए है। 161 के स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट अगर यूज करना चाहे तो कोर्ट अपने लिए यूज कर सकती है, अकॉर्डिंग टू 165 सेक्शन 165 ऑफ एविडेंस है। तो 161 की जो बयान है वो सिर्फ पार्टीज के लिए नहीं यूज होते, कोर्ट जो है वो जब चाहे उनको यूज कर सकती है अपने अकॉर्डिंग। तो वैसा ही यहाँ पे है कि केस डायरी को अगर कोर्ट रेफर करना चाहती है तो रेफर कर सकती है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये कोर्ट के लिए हो गया। अब एक्सेप्शन क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए कोर्ट जो है अगर उस पर्सन को, एक सेकेंड, को अगर वो पर्सन पुलिस ऑफिसर जिसने केस डायरी बनाई है वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, रिफ्रेशिंग इज मेमोरी का मतलब कोई बताएगा मुझे, मेमोरी को रिफ्रेश करने का मतलब क्या होता है, कौन से सेक्शन में है रिफ्रेशिंग इज मेमोरी? वेरी गुड, क्या है रिफ्रेशिंग मेमोरी, थोड़ा सा हल्का सा बता दीजिए अपनी लैंग्वेज में, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट वो नहीं है कि भी आपको लीगल लैंग्वेज। हाँ बताइए। अक्यूज्ड अपनी कही गई या बताई हुई बात अगर भूल जाता है और वो चीज रिकॉर्ड करी हुई है तो उसको दिखा करके उसकी मेमोरी को रिफ्रेश किया जा सकता है। वेरी गुड। पर एक शब्द जो आपने यूज किया स्टार्टिंग का अक्यूज, वो सही नहीं होगा बस यहाँ पे ना, विटनेस है वहाँ पे, कौन है, विटनेस में रिफ्रेश हिज मेमोरी है ना, 159 में विटनेस वर्ड लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा मैं भी सही ना हूं तो, पर वहां पे एनी पर्सन है, ठीक है, एनी पर्सन विटनेस। अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर प्रोसिक्यूशन का विटनेस होता है, पुलिस ऑफिसर इज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस। अगर आपने जजमेंट राइटिंग की क्लास ली है हमसे तो आपने देखा होगा कि मैंने क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग में पुलिस ऑफिसर को प्रोसिक्यूशन का सेकंड विटनेस बनाया था, पुलिस ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक है। तो अब पुलिस ऑफिसर ने केस डायरी बनाई, ठीक है, अब सपोज कीजिए मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैंने केस डायरी बना रखी, मेरे हाथ में केस डायरी, ठीक है, अब मेरे से पूछा जा रहा है, मैं प्रोसिक्यूशन की विटनेस हूँ, पुलिस ऑफिसर हूँ मैं, प्रोसिक्यूशन की विटनेस हूँ, और मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं उस दिन आपने क्या देखा था उस इन्वेस्टिगेशन में, आपको डेड बॉडी मिली थी। अब भाई मैं इतने सारे केसेस हैंडल कर रही हूँ, मुझे क्या पता कब क्या हुआ है, भाई मेरी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है, भाई। तो मैंने क्या किया, वो केस डायरी जो मेरे सामने, मैंने बोला कि सर प्लीज मैंने एक केस डायरी उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए बना रखी है, मुझे प्लीज अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए वो चाहिए, क्योंकि मुझे वो मुझसे पूछ रहे हैं कि उस दिन क्या तारीख थी,
जिस दिन आप वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, भाई मुझे नहीं ध्यान। तो मैंने बोला कि सर प्लीज मैं सेक्शन 159 का यूटिलाइज करना चाहता हूँ, चाहती हूँ सॉरी, और मैं मेरी मेमोरी को रिफ्रेश करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मेरी केस डायरी आप प्रोवाइड कीजिए। तो बिल्कुल ये अलाउड है 159, सिंपल सी बात बोलता है कि अगर पुलिस ऑफिसर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए केस डायरी को रेफर करना चाहता है तो इट विल बी अलाउड। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर ने अब मैं यहाँ पे मेरी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकती हूँ। अब इसको इस तरह से समझना, रिफ्रेश कर सकती हूँ। अब जब मैं उस डायरी को देख रही हूँ, रिफ्रेश कर रही हूँ, तो यहाँ पे एक तो बैठी है ऊपर कोर्ट मजिस्ट्रेट, और सामने क्या होना है, ऑपोजिशन मतलब डिफेंस है, एक तो है डिफेंस और एक है कोर्ट। तो कोर्ट जो है ना, अब मैंने जो पार्ट रिफ्रेश किया है, मैंने जो पार्ट यूज किया है, उसको कोर्ट जो है अब मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करने में यूज कर सकती है, साथ ही साथ डिफेंस भी उस पॉइंट के लिए मुझे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। इवन डिफेंस जो है उस केस डायरी में लिखी हुई कुछ बात को, जो भी बात है, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है। मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि अगर मैं मेरी पुलिस डायरी को देख रही हूँ, यहाँ पे खड़े होके मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरी रिफ्रेश मेमोरी कर रही हूँ, तो यहाँ पे सामने है कोर्ट और यहाँ पे है डिफेंस काउंसिल, तो कोर्ट जो है वो उसको यूज कर सकती है मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करने में, उस राइटिंग को जिससे मैं रेफर कर रही हूँ। मान लीजिए मैं फिफ्थ नंबर का पेज यूज कर रही हूँ, फिफ्थ नंबर पेज के रिगार्डिंग होगा, और वहां पर डिफेंस काउंसिल भी मुझे बोल सकता है कि मैम हम आपको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे एक तो, और दूसरा मैम हम हमें वो केस डायरी हमें भी दिखाइए, भाई आपने कैसे देख ली, जब आप देख रहे हो तो हमें भी वो दिखाइए कि कहीं आप सही तो बोल रहे हो ना। ठीक है, तो एक बार हम इसको पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं पढ़ देती हूँ एक बार इसको कि एनी क्रिमिनल कोड। हाँ पढ़ पढ़ पढ़ते ना एक बार ऊपर कर, एक बार ऊपर करना, एक बार 172 पे ही आ जाओ। अच्छा पूरा। Every police officer making an investigation under this chapter shall day by day enter his proceeding in the investigation in a diary, setting form for the time at which information reached him, the time at which he begin and close his investigation, the place and place visited by him, and a statement of the circumstances ascertained through the investigation. चार चीजें इसने डे टू डे प्रोसीडिंग लिखी, देखो इन्होंने चार पांच चीजें लिखी, टाइम जब इंफॉर्मेशन मिली, किस टाइम पे एविडेंस शुरू हुए, खत्म हुए, कहाँ कहाँ वो गया, और सारे सर्कमस्टांसेस के स्टेटमेंट जो भी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसने मिले, मतलब पांच चीजें लिखी है उसने, एक बार आप देख लेना। द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस सेक्शन अंडर सेक्शन 161 शैल बी इंसर्टेड इन द केस डायरी। जो 161 में हमने रिकॉर्ड करे थे ना विटनेसेस को, बुलाया था 160 में, 161 में बोला था, ठीक है, और अक्यूज को भी बुलाया जाता है, तो इन्होंने उसके केस डायरी के अंदर ये सारी चीजें भी लिखी हुई है। ठीक है, द डायरी रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी वॉल्यूम एंड ड्यूली पेजिनेटेड, मैंने पहले ही बोल दिया ड्यूली पेजिनेटेड होगी। ठीक है, एनी क्रिमिनल कोड मे सेंड फॉर द पुलिस डायरी ऑफ अ केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल इन सच कोर्ट एंड मे यूज सच डायरी नॉट एज एविडेंस इन द केस बट टू एड इट इन सच इंक्वायरी और ट्रायल। एग्जाम का क्वेश्चन है, प्री में पूछा जाता है आपसे कि क्या अपन एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं क्या, तो जी नहीं, आप एज एन एविडेंस यूज नहीं कर सकते, आप एज एन इंक्वायरी और ट्रायल में सहायता के लिए यूज कर सकते हो। फिर वो जैसे बताया, जैसे रिफ्रेश मेमोरी और कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, तो लेकिन इस सेक्शन की कोई भी बात मना नहीं करी, नीदर द अक्यूज, मतलब मना नहीं करी, मना भी कर दिया है कि नीदर द अक्यूज नॉर हिज एजेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू कॉल सच डायरी, कि ना ही अक्यूज ना ही कोई उसका एजेंट उस डायरी को कॉल कर सकता है, नॉट शैल ही और दे बी एंटाइटल्ड टू सी देम मेयरली बिकॉज दे आर रेफर्ड टू बाय द कोर्ट। भाई केवल मतलब ऐसा नहीं कि कोर्ट ने रेफर कर ली तो इसका मतलब नहीं वो उसको देख सकेंगे, ये भी नहीं है, ना ही वो कॉल कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं, बट If they are used by the police officer who made them to refresh his memory, by police officer को मतलब पुलिस वाले ने बोला कि हाँ ठीक है मुझे याद तो आ रहा है लेकिन मैंने केस डायरी में लिखा होगा, तो उसने अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए उसे यूज कर लिया, और इफ द कोर्ट यूजेस देम फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग सच पुलिस ऑफिसर, और दो बात बोली, पहला तो पुलिस ऑफिसर ने मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए यूज कर लिया, या कोर्ट ने यूज कर लिया कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उस पुलिस ऑफिसर को, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 161 और 145 एज द केस मे बी ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट शैल अप्लाई। तो 161 के जो प्रोविजन है रिफ्रेशिंग मेमोरी के, और 145
कि जो कॉन्ट्राडिक्टिंग वाली चीजें वो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक बार 160 ये वाला लास्ट वाला दोबारा बता देना, फिर से वापस क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। देखिए ये हमारी केस डायरी है, ठीक है, केस डायरी है। तो ये हमने बात की कि ये ना तो ये एड में यूज आएगी, ठीक है, इसे आप एविडेंस में यूज नहीं करेंगे, सिंपल पॉइंट। पर क्या बोल रखा है, ना ही अक्यूज्ड और ना ही उसका एजेंट, एजेंट कौन होगा उसका, डिफेंस काउंसिल, ना तो वो उसको रेफर कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, दोनों ही उसको अलाउड नहीं है। बट कोर्ट जो है, कोर्ट जो है वो उसको रेफर कर सकती, कोर्ट को रेफर करना अलाउड है, कोर्ट की पावर है अनलिमिटेड, कोर्ट रेफर कर सकती है, इसको देख सकती है, सब कुछ कर सकती है। अब यहाँ पे दो पॉइंट बोले कि अगर मान लो, अगर मान लो पुलिस ऑफिसर जो है वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए अगर पुलिस ऑफिसर उस अपनी डायरी को देखता है, ठीक है, या फिर कोर्ट, कोर्ट जो है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज कर लेती है, तो इन दोनों ही केस में, इन दोनों ही केस में जो डिफेंस काउंसिल है, जो डिफेंस काउंसिल है वो क्या कर लेगी, इसको 145 में यूज करेगी। 145 मतलब डिफेंस काउंसिल भी कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। मैंने आपको बताया था कि कोर्ट भी कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है पुलिस ऑफिसर को, ठीक है, और डिफेंस काउंसिल भी कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है, डिफेंस काउंसिल भी इसको कॉन्ट्राडिक्ट। यहाँ पे और है, ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे स्किप किया इस चीज को बाय मिस्टेक। पुलिस ऑफिसर मेमोरी रिफ्रेश कर रहा है, कोर्ट की अनलिमिटेड पावर है, कोर्ट रेफर भी कर सकती है और पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकती है, ठीक है। तो अगर पुलिस ऑफिसर ने अपनी मेमोरी को रिफ्रेश किया है, फिर कोर्ट ने कॉन्ट्राडिक्ट करने में यूज किया है, तो डिफेंस काउंसिल जो है, डिफेंस काउंसिल ना केवल पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्राडिक्ट करने में उन स्टेटमेंट को यूज, इस डायरी को यूज कर सकती है, बल्कि 161 में क्या लिखा हुआ है एविडेंस एक्ट में, 161 एविडेंस एक्ट बोलता है कि द डिफेंस काउंसिल हैज अ राइट टू सी दैट केस डायरी, ठीक है, केस डायरी को, उस केस डायरी को देख सकती है, प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकती है और इंस्पेक्ट करने के लिए बोल सकती है, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन और देखने के लिए कर सकती है। 161 आप एविडेंस एक्ट देख लीजिएगा, उसमें सेम टू सेम ये बात लिखी हुई है, इंस्पेक्शन और प्रोडक्शन की बात कर सकते हैं। क्लियर है सभी को, एक बार बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, डन। आगे चलते हैं, अब 173 की बात कर लेते हैं। तो 173 देखिए, मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे कि 173 ठीक है, तो 173 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो 173 में है क्या, देखिए बता देती हूँ। 173 में हम हमारी जो, अब एक चीज और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने आपको बताया कि हमारा, अगर हमने, हमारे पास FIR लॉज हुई और हमने अगर क्लोजर रिपोर्ट बनाई है, मतलब हमको लग रहा है कि कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं हो रहा, और अगर हमने चालान बनाया मतलब चार्जशीट बनाई है, तो हम बोल रहे हैं कि कोई ऑफेंस मेड आउट हुआ है, तो ये दोनों की रिपोर्ट जो है वो 173 में। इसके अलावा एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसके रिगार्डिंग कंप्लेंट फाइल की गई थी और मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 155 के 2 में ऑर्डर दिया था इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जब कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास हुई, पास आई, तो मजिस्ट्रेट ने 155 के 2 में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब उस इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है वो भी 173 में सबमिट होती है, कमेंट अपने माइंड में रखिए, ठीक है। अब 173, अब देखिए 173 जो है आपका, इसमें क्या बोल रखा है, सबसे पहला पॉइंट आपका ये बोलता है कि जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन है, आवाज आ रही है? नहीं मैम, वीडियो भी रुक गई है और आवाज भी।
रश्मिका दोबारा ज्वाइन कर लो। आवाज आ रही है मेरी? ठीक। वीडियो मैंने ऑफ किया है, ठीक है। मेरी वॉइस आपको आ रही होगी, तो हम कंटिन्यू करते हैं यहां से। देखिए, तो मैंने आपको बताया कि एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी। क्या हुआ? स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ, स्क्रीन शेयर करते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जो रेप केसेस होते हैं, रेप केसेस में सारे रेप केसेस आएंगे। 376 से लिंक है सारे, ए ए बी डी ए डी बी, सारे जो भी 2019 और 2018 के अमेंडमेंट्स आए हैं, सारे रेप केसेस के यहाँ पे ऑफेंस है। तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पर रेप केसेस के जो भी सारे इन्वेस्टिगेशन है वो 2 मंथ्स में, कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ FIR। आप FIR कर लीजिए। इन्फॉर्मेशन वॉज रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। मतलब FIR के 2 मंथ्स के अंदर अंदर 376 के रिलेटेड रेप केसेस को आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। हम इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। एंड 2 मंथ जो है आपका MCQ क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, ठीक है, कि कितने टाइम पीरियड में रेप केसेस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए? 2 मंथ्स के अंदर। अच्छा, रेप केसेस की जो ट्रायल है वो कितने टाइम, इंक्वायरी ट्रायल कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए बताइए? आपने पढ़ा होगा रेप केसेस की इंक्वायरी ट्रायल कितने टाइम में खत्म हो जाना चाहिए? मैम 2 मंथ्स। कहाँ पे लिखा हुआ है? 209 के 1 के प्रोविजो में शायद। 209 है ना? और 2 मंथ कब से है वहां पे? 2 मंथ कब से है? 173 के 2 की रिपोर्ट जब फाइल होती है ना, उसके बाद से रिपोर्ट फाइल होती है। कॉग्निजेंस से नहीं है या एक बार ट्रायल कम एक बार चेक कर लो, कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल फिर कॉग्निजेंस से है, देखो एक बार चेक कर लेना, है ना। ये भी देख लेंगे, ये नंबर भी अपना इंपॉर्टेंट है। 309 का रेप केसेस की इन्वेस्टिगेशन और रेप केसेस की ट्रायल इंक्वायरी, ये लिंक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो यहाँ पे ना मैं आपको, हम जब पढ़ते हैं 2R, हम जब 2R पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं क्या? फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, चार्ज शीट से, ठीक है, चार्ज शीट से डन। और अपील तो 6 महीने में कंप्लीट हो जाती है, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, इसकी अपील 6 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए, शायद 374 ऐसा कुछ है, एक बार देखिए। 374 में और 378 377 में भी है। हाँ, दोनों में देखो, जो इंक्वायरी है, ट्रायल है और ये जो इन्वेस्टिगेशन है, उसके लिए 2 मंथ का टाइम है, वो देख लेना कब से कब तक, और अपील के लिए 6 महीने का टाइम है, ठीक है। ये 173 के 1 के ए में लिखा हुआ है, जो इन्वेस्टिगेशन है
309 में इंक्वायरी और ट्रायल के लिए लिखा हुआ है और 374 और 377 में अपील के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार सब एंट्रीज कर दो, याद रखना है ये चीजें, 2 महीने 2 महीने 6 महीने, ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, अब 2R में हमने पढ़ा था कि जो पुलिस रिपोर्टर्स का मतलब क्या है, रिपोर्ट विच इज फाइल्ड टू बाय द पुलिस ऑफिसर टू द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173 के 2 में। तो 173 का 2 ही तो पढ़ रहे हैं अपन, आओ ये देखिए। तो 173 के 2 में क्या है कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजेगा जो, और उस मजिस्ट्रेट को जो कॉग्निजेंस लेने के एम्पावर्ड है ऑन द पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, क्या भेज रहा है, अ रिपोर्ट इन अ फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू प्रिस्क्राइब्ड एक फॉर्म है, उसमें यहाँ पे रिपोर्ट भेज रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। नेम ऑफ द पार्टीज, पार्टीज का नाम, पार्टीज का नाम मतलब यहाँ पे जो भी पार्टी है कि विक्टिम कौन है और ऑफेंडर कौन है। नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किस नेचर की, रेप है, मर्डर है, रॉबरी है, डकैती है, क्या है नेचर ऑफ। द नेम ऑफ पर्सन हु अपीयर्स टू बी एक्विंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, तो कौन आ गया, ये कौन है बताइए, कौन है ये सब, ये पर्सन, ये कौन होगा, विटनेस, वेरी गुड विटनेस। वेदर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड एंड बाय हू, क्या कोई ऑफेंस लगा कमिट हुआ हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो यस होगा या फिर नो होगा। यस होता है तब तो क्या होती है, चार्जशीट फाइल होती है, और नो होता है तो क्या होता है, क्लोजर रिपोर्ट होती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, क्लोजर रिपोर्ट। तो क्या कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, वो बोलेगा यस हुआ है। बाय हुम, तो किसने किया है, वो भी नाम लिख दीजिए। वेदर द अक्यूज्ड हैज बीन अरेस्ट, अब क्या उस पर्सन का जिसने आपने नाम लिखा है वो अरेस्ट हो गया, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। वेदर ही हैज बीन, अब देखो यहाँ पे तो ये है, ये वाला पॉइंट आपका 169 का है, लिख लीजिएगा, ये 170 का लिखा हुआ है। 169 में जहां पे लग रहा है ना कि भाई ऑफेंस क्लोजर रिपोर्ट से रिलेटेड है ये, कि अगर आपको लगता है कि अक्यूज जो है उसके रिगार्डिंग एविडेंसेस जो है वो सफिशिएंट नहीं है और देर आर नो रीजनेबल सस्पिशंस टू प्रोसीड अगेंस्ट द अक्यूज, तो उस केस में हम उसको कर रहे थे बॉन्ड पे रिलीज कर रहे थे 169 में। ठीक है, वेदर विद और विदाउट श्योरिटी। और 170 में हम क्या करते हैं, अगर हमको लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करती है तो हम उसको कस्टडी में फॉरवर्ड करते हैं मैजिस्ट्रेट। ठीक है, 170। फिर इसके बाद एच पॉइंट में क्या है, जो हमने मेडिकल एग्जामिनेशन किया है 164A में, 164 के ए में जहां पर रेप केसेस के रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोविजन है, वो मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट भी आपको, वेदर द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वुमेन हैज बीन अटैच्ड वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, दो सेक्शन लिंक करना, 173 एंड 173 का 5। देखिए 173 के इसमें एक रिपोर्ट है, इसमें हम क्या बोल रहे हैं पुलिस, इसमें ये लिखा जा रहा है कि पार्टीज कौन है, किसने ऑफेंस किया है, विक्टिम का नाम वाम क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, रिलीज कर दिया क्या, ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई है ए से लेकर एच तक के पॉइंट, ए से लेकर एच तक के पॉइंट आपको इस रिपोर्ट में। पर 173 का 5 क्या है, आगे पढ़ेंगे हम, उसमें क्या है, इस रिपोर्ट के साथ आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने ना, जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे कि देखो यहां पे तो क्या बोला, वेदर द रिपोर्ट हैज बीन अटैच्ड, यस अटैच कर दी, इतना सब लिखना है। पर अटैचमेंट होगा ना तो वो 173 के 5 में जाएगा, तो इसमें कौन कौन से, 173 के 5 में अपन डॉक्यूमेंट लगाएंगे, जैसे ये अपनी पुलिस रिपोर्ट है इसके साथ अटैच करेंगे, एक तो 161 के स्टेटमेंट, एक 164 के स्टेटमेंट, एक 164A मेडिकल रिपोर्ट लगाएंगे हम, और भी कुछ होता है डॉक्यूमेंट्स जिसपे प्रोसिक्यूशन रिलाय करता है, वो सारे डॉक्यूमेंट 175 में, ये पुलिस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को दी जाती है इस पर फॉर्मेट में, जिसमें हम यस नो के जवाब देते हैं, नाम वाम लिखते हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट 1, 2, 3, 4, 5 ये इस पुलिस रिपोर्ट के साथ अटैच होकर मजिस्ट्रेट को फाइल कर दिए जाते हैं। देखिए एक बार आप, When such report in respect of case to which 170 applies, the police officer shall for 170 applies, मतलब यहाँ पे cognizable offence हुआ है ये बोला जा रहा है, मतलब यहाँ पे चार्ज शीट फाइल हो रही है, चार्ज शीट की रिलेटेड है कि ऑब्वियसली ना जब चार्ज शीट फाइल होगी ना उसके रिगार्डिंग, पर इतना डीप स्टडी मत कीजिए, आप तो सिर्फ इतना कीजिए कि जब पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है ना तो पुलिस ऑफिसर शेल फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट अलोन विद द रिपोर्ट, रिपोर्ट के साथ साथ क्या भेजेगा, देखिए ऑल डॉक्यूमेंट्स All relevant extract, ठीक है, on which the prosecution rely, जिसपे prosecution rely करती है, other than those which are already sent to the magistrate during investigation, जो during investigation आप भेज चुके हो उनको छोड़कर आपको सारे document और relevant extract भेजने हैं,
साथ ही साथ 161 की जो स्टेटमेंट आपने रिकॉर्ड किए हैं वो भी आपको भेजने। मैंने आपको बता दिया ये डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है, ऊपर 173 के 2 में रिपोर्ट की बात की जा रही है। फिर यहाँ पे पॉइंट है, देखिए इसे मान लीजिए एक पर्सन है, इसने इन्फॉर्म किया, एक सेकेंड, इसने इन्फॉर्म किया कि भाई ये रेप हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए रेप हुआ है, ठीक है। तो ड्यूटी क्या है कि द ऑफिसर शैल ऑल्सो कम्युनिकेट, तो ये जो ऑफिसर रेप का इन्फॉर्मेशन इस ऑफिसर को दी गई है, तो इस ऑफिसर की ड्यूटी है इस इन्फॉर्मेंट को बताना, पुलिस ऑफिसर जो है वो इस इन्फॉर्मेंट को बताएगा, क्या बताएगा, बाय हूम द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ ऑफेंस वाज फर्स्ट टेकन, उसको ये बताएगा कि क्या क्या एक्शन जो है वो लिए गए, क्या क्या एक्शन लिए गए हैं ये पुलिस ऑफिसर के थ्रू, जो भी हमारा अक्यूज्ड है उसको बताया जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पे ना ये जो सेक्शन है 173, ये एक रीडिंग सेक्शन है, इसको आप ऐसे याद नहीं कर सकते, ये आपको रीड करना है, रीड करते करते इसको लर्न कर लीजिए, है ना। आ सकता है एग्जाम में, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले ऐसा क्वेश्चन, पर ओवरऑल यहाँ पे एमसीक्यू आपके ज्यादा बनेंगे इस सेक्शन से 173 से, पर आपको एक सजेशन है कि आप इसको याद ही कर लीजिएगा, है ना। पर याद करने लायक है वो है नहीं इसमें जितना कंटेंट, तो आप देख लीजिएगा। फिर क्या है, ये फालतू है, ये मत कीजिएगा, छोड़ दीजिए। 173 अपने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 158 में, कि रिपोर्ट कैसे, भाई पुलिस रिपोर्ट जो है, पुलिस ऑफिसर जो है, पुलिस ऑफिसर पुलिस रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट को दे रहा है, तो कैसे देगा ये पुलिस ऑफिसर जो है ना, अपने सुपीरियर ऑफिसर जो है उनके थ्रू ये पुलिस रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट को दे देता। ये हमने 158 में भी पढ़ा था, जहाँ पे हमने अकरेंस रिपोर्ट जो है 157 की वो मजिस्ट्रेट को सबमिट की थी, तो ये सेम टू सेम पॉइंट है। फिर ये देखिए यहाँ पे इसको क्या लिंकिंग है, इस सेक्शन में लिंकिंग हो जाता है। देखिए यहाँ से ये एफ पॉइंट से लिंक कर दूं मैं इसको, एफ पॉइंट से लिंक कर दूं मैं इसको इस वाले पॉइंट, कि व्हेनेवर इट अपीयर्स फ्रॉम द रिपोर्ट फॉरवर्डेड अंडर दिस सेक्शन, जब रिपोर्ट फॉरवर्ड की जा रही है, दैट द अक्यूज्ड हैज बीन रिलीज्ड ऑन हिज बॉन्ड। देखिए यहाँ पे अक्यूज को बॉन्ड पे रिलीज किया गया, रिलीज ऑन हिज बॉन्ड, अक्यूज को यहाँ पे बॉन्ड पे रिलीज किया, क्यों, क्योंकि हमें लगा 169 में क्लोजर रिपोर्ट हमने फाइल की है, मतलब हमें लगा कि कोई ऑफेंस नहीं बन रहा, इसलिए उसे हमने बॉन्ड पे रिलीज कर दिया। सिंपल पॉइंट है, अक्यूज को हमने बॉन्ड पे बोला जा बाय बाय, तेरे अगेंस्ट कोई ऑफेंस नहीं बन रहा, पर ये बात हमने अपनी रिपोर्ट में बता दी कि भाई सर हमने इसको 169 में बॉन्ड पे रिलीज कर दिया, हमने रिपोर्ट में लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए अगर मजिस्ट्रेट को लगता है रिपोर्ट फॉरवर्ड करने के बाद कि अक्यूज जिसे हमने बॉन्ड पे रिलीज किया है बिकॉज ऑफ क्लोजर रिपोर्ट फाइल अगेंस्ट हिम, द मजिस्ट्रेट शैल मेक ऑर्डर फॉर डिस्चार्ज ऑफ सच बॉन्ड और अदरवाइज एज थिंगफुल। ये बहुत अलग बात है, ये बात आ जाती है आपकी, एक कंसेप्ट यहाँ पे आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, डिस्चार्ज द बॉन्ड और अदरवाइज थिंगफुल, मतलब समझ रहे हैं, एक अक्यूज आराम से टाटा बाय करके जा रहा है पुलिस ऑफिसर को, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने बोला क्लोजर रिपोर्ट फाइल करके कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। पर अब क्या हो रहा है कि अब मजिस्ट्रेट के पास जैसे ही पुलिस रिपोर्ट पहुंची, मजिस्ट्रेट ने उस बंदे के बॉन्ड को डिस्चार्ज कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया, या फिर कोई ऐसा ऑर्डर किया जिसमें उसको बोला कि भाई अब आ जा तू कोर्ट, ऐसा हो सकता है, मतलब बंदे के अगेंस्ट पुलिस क्लोजर रिपोर्ट हो गई, पर मजिस्ट्रेट को मन नहीं मान रहा है, यहाँ पे मजिस्ट्रेट को लग रहा है, क्रेट को लग रहा है कि समझे विजुअल इफेक्ट, एक सेकंड मुझे एक बार, मैं मेरा कैमरा ऑन करना चाह रही हूँ यहाँ पे, एक सेकंड वेट अ मिनट, विजुअल इफेक्ट क्या अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैं मेरा कैमरा ऑन नहीं, ऑन नहीं बिकॉज ऑफ इशू है टेक्निकल, ठीक है, तो हम मींस समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि ये पॉइंट मुझे आपको समझाना है, मैं आपको समझाऊंगी कि यहाँ से इमर्ज होगी हमारी प्रोटेस्ट पिटीशन, ठीक है, ये हमारी प्रोटेस्ट पिटीशन का राइट है, मैं बता दूंगी आपको आज। फिर सिक्स पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ तक क्लियर है क्या आप सभी को, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट रीडिंग इसलिए करवा रही हूँ कि मेरे को यहाँ पे कनेक्टिविटी करनी पड़ रही है आपके लिए, ठीक है, क्लियर है, एक बार रीसेंड करके बताएंगे सभी आप, क्लियर है पॉइंट जो हमने डिस्कस किया अभी, डन, आगे चलते हैं। ये तो पुलिस ऑफिसर, अब देखिए यहाँ पे
सपोज कीजिए, इसको समझा देती हूँ मैं, सिंपल सा पॉइंट है। पुलिस ऑफिसर जो है ना, यहाँ पे तो रिपोर्ट भेजता है और सारे सारे यहाँ पे जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो भेज रहा है। किसको? पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को सेंड कर रहा है। तो अब पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि भाई ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये डॉक्यूमेंट जो है ना पब्लिक इंटरेस्ट में अक्यूज को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। अब अक्यूज को कहाँ से डिस्क्लोज करना है, देखिए आपने सेक्शन अभी तक नहीं पढ़ा हुआ, आई थिंक 207, सेक्शन 207 ये बात करता है कि मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है कि जब भी अक्यूज मैजिस्ट्रेट के सामने अपियर होता है तो मैजिस्ट्रेट को 207 की कंप्लायंस करनी पड़ती है। मतलब मैजिस्ट्रेट को अक्यूज को सारे डॉक्यूमेंट जो है पुलिस रिपोर्ट पे इनसे जुड़े, जो कि सारे 161 के स्टेटमेंट हो गए, FIR की कॉपी हो गई, 164 के स्टेटमेंट हो गए, 173 की रिपोर्ट हो गई, सब कुछ मैजिस्ट्रेट को अक्यूज को देना होता है। मैजिस्ट्रेट को अक्यूज को देना होता है 207 के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं कि जब पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को डॉक्यूमेंट देता है तो मैजिस्ट्रेट किसको देता है? अक्यूज को देता है 207 में, सही है। पर अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर ये बोल रहा है कि सर, मजिस्ट्रेट को हाथ जोड़ के बोल रहा है कि सर देखिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट है ना, आप पब्लिक इंटरेस्ट में डिस्क्लोज मत करना, अक्यूज को मत बताना। तो मजिस्ट्रेट बोल रहा है क्यों सर, प्लीज पब्लिक इंटरेस्ट सफर कर जाएगा सर, प्लीज मत बताइएगा आप, ठीक है। मैं यहाँ पे फोन करके तो बताएगा नहीं, यहाँ पे ये करेगा एक नोट अपेंड कर देगा, यहाँ पे एक नोट लगा देगा कि प्लीज डोंट डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन टू द अक्यूज्ड ड्यू टू द पब्लिक इंटरेस्ट, ऐसा करके ये एक नोट अपेंड कर देगा। और मजिस्ट्रेट जब ये नोट देखेगा तो मजिस्ट्रेट इतराएगा थोड़ा सा और बोलेगा कि मेरी मर्जी, क्या मतलब, वो चाहे तो उसको डिस्क्लोज करेगा और चाहे तो नहीं डिस्क्लोज करेगा, अक्यूज को ये पूरी पूरी मर्जी है मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं एक बार यहाँ पे, इफ द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट, अगर कोई स्टेटमेंट का पार्ट रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग और दैट इट डिस्क्लोजर टू अक्यूज इज नॉट एसेंशियल इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। देखिए दो पॉइंट है, तो मैंने ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया, रेलिवेंट नहीं है और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में उसको डिस्क्लोज करना एसेंशियल नहीं है, एंड इज इन एक्सपीडिएंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट में आपको बता दें, ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, है ना, समझिए, बस आपको पता होना चाहिए, ऐसे रटना नहीं है इस पॉइंट को, हमने जो पहले पढ़ चुके हैं ना सारे वो चीजें लर्न कर लीजिए, रट लीजिएगा, पर यहाँ पे ये पॉइंट सिर्फ रीड करने का है, आपको पता होना चाहिए। ही शुड इंडिकेट दैट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट और अपेंड अ नोट रिक्वेस्टिंग, क्या करेगा वो पार्ट ऑफ स्टेटमेंट बताएगा और उसके रिगार्डिंग नोट अपेंड कर देगा, रिक्वेस्ट करते हुए मजिस्ट्रेट को कि सर प्लीज टू एक्सक्लूड दैट पार्ट फ्रॉम कॉपीज टू ग्रांटेड टू द अक्यूज्ड एंड स्टेटिंग हिज रीजन फॉर मेकिंग सच रिक्वेस्ट, और अपना रीजन भी बताएगा कि क्यों वो चाहता है कि ये सब चीजें अक्यूज को ना बताई जाए, अक्यूज के सामने डिस्क्लोज ना हो, और बताया जाए जब भी आप कॉपीज देंगे अक्यूज को, मैंने आपको बताया 207 में अक्यूज को कॉपी दी जाती, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया 7 में एक बार, ठीक है। Wherever, ये भी सिंपल सा पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, where the police officer investigating the case, जो पुलिस ऑफिसर है जब केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, find it convenient to do so, he may furnish to the accused, वो accused को भी furnish करेगा वो सारी कॉपी जो उसने 173 के 5 में दी है। तो मतलब यहाँ पे 207 में आप ध्यान रखना, 207 में तो जो है मैजिस्ट्रेट जो है वो अक्यूज पर्सन को सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देता है, और 173 के 7 में जो यहाँ पे मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी ड्यूटी मस्ट है यहाँ पे, पर यहाँ पे पुलिस ऑफिसर का कन्वीनियंट लगता है ना, तो यहाँ पे मे है, उसको लगता है कन्वीनियंट, तो अक्यूज को सारी कॉपी देगा, क्योंकि कहाँ पे मेंशन है 173 के 5 में, ठीक है। अब हम एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, 173, ये अलग चीज है, अलग चीज मतलब कि एक कंसेप्ट होता है री इन्वेस्टिगेशन, जिसे री इन्वेस्टिगेशन, और एक होता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो 178 में हम बात किसी करते हैं, हम 178 में री इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हम बात करते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन, इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो क्या बोला था, इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी बोलते हैं, इसको हम सप्लीमेंट्री, इसकी पर्सनल में जो चार्जशीट फाइल होती है
इस फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री चार्जशीट, और हिंदी में बोलते हैं तितंबा चार्जशीट, लिख लीजिएगा तितंबा चार्जशीट, चार्जशीट तितंबा चार्जशीट, ठीक है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर है, देखिए इसमें सिंपल सी पॉइंट बोला है कि भाई एक बार 173 के 2 में पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी, उसके साथ साथ प्लस में 173 के 5 में हमने सारे डॉक्यूमेंट मजिस्ट्रेट को दे दिए, इट डजंट मीन कि जो मजिस्ट्रेट वो पुलिस ऑफिसर है वो उस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। कहने को पॉजिटिव वे में बोले तो 173 के 2 में पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के बाद, डॉक्यूमेंट देने के बाद मजिस्ट्रेट को, पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट रहता है कि वो उस केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन, मतलब आगे सब्सिक्वेंट वर्ड इज नॉट प्रॉपर, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आगे की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ले, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा, और जो चार्जशीट अब वो फाइल करेगा दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री चार्जशीट और तितंबा चार्जशीट, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं, पहले एक बार पढ़ लीजिए ये वाला, अगर ऊपर से कर ले छोटा छोटा सा यदि कहो तो। एक बार मैं रब कर देती हूँ, यार रब नहीं करती, एक बार एक सेकेंड ना, एक मिनट, पेज नंबर 90। नहीं ऊपर होगा, बंद ही करना पड़ेगा, वेट अ मिनट। यहां से देखिए, वापस देख लेते हैं। Every investigation under this chapter shall be completed without unnecessary delay. जो investigation in relation to rape cases, question बनता है, ये prelims का question बनता है कि investigation shall be completed, ठीक है, without unnecessary delay. मतलब ऐसे कोई time period नहीं दे रखा, without unnecessary delay complete कर देना। 173 के 1 के A में, ये भी pre का question है कि जो rape cases का जो होता है, वो information receive होने के आपको 2 महीने के अंदर है ना complete करनी पड़ेगी। फिर आप लिखा हुआ है as soon as it completed, 173 का 2 जो हम पढ़ते हैं चार्जशीट, as soon as it completed the police officer in charge of the police station, आप एक बार माइक म्यूट करो, officer in charge of the police station ये सारी चीजें देगा, ठीक है, फॉरवर्ड करेगा मजिस्ट्रेट को, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ द पर्सन who appears to be acquainted with the circumstances of the case। रश्मि कर माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। क्या कुछ नहीं, द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, देखिए द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, मजिस्ट्रेट को ये चीजें फॉरवर्ड करेगा कि नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या है, पर्सन जो अक्वेंटेड विद द फैक्ट थे उस रिपोर्ट में लिखकर देगा, फिर क्या ऑफेंस कमिट हुआ है, और यदि हुआ है तो किसके द्वारा हुआ है, क्या अक्यूज अरेस्ट किया गया है, क्या किसी अक्यूज को बॉन्ड, मतलब जो भी पर्सन था उसे बॉन्ड पर रिलीज किया गया है, रिलीज किया गया है तो विद और विदाउट श्योरिटी रिलीज किया गया, वेदर ही हैज बीन फॉरवर्डेड अंडर इन कस्टडी अंडर सेक्शन 170, ठीक है, 173 के 2 में ये सारी चीजें भेजी जाती है। फिर वेदर द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द वुमेन हैज बीन अटेस्ट वेयर इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एन ऑफेंस, ये जो सारे रेप रिलेटेड ऑफेंसेस है उनके हमें पता भी, 164A ये जो हम करते हैं ना, रिकॉर्ड करते हैं विक्टिम का एग्जामिनेशन, तो वो भी क्या होता है, पुलिस रिपोर्ट का पार्ट बनता है। फिर लिखा सेकेंड, The officer shall also communicate in such manner as may be prescribed by state government the action taken by him to the person, if any, by whom the information relating to the commission of offence was first given. ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं unnecessary, बस ये है कि किसके द्वारा, state government को भी inform किया जाएगा किसके द्वारा information मिली थी offence के commission की। फिर लिखा हुआ है where a superior officer of police has been appointed under section 158, हमें याद है 158 में हमने subordinate एक officer के through रिपोर्ट पेश करी थी, तो इन्होंने कहा कि वेयर अ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस हैज बीन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 158 द रिपोर्ट शैल इन केस इन विच द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर सो डायरेक्ट बी सबमिटेड थ्रू दैट ऑफिसर। 158 में हम पढ़ के आए थे कि किस ऑफिसर के द्वारा मजिस्ट्रेट के पास में रिपोर्ट जानी चाहिए, जो 157 की है,
तो वो यही लिख रहा हुआ है कि उसी मतलब बी सबमिटेड थ्रू दैट ऑफिसर एंड ही मे पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट डायरेक्ट द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू मेक फर्दर इन्वेस्टिगेशन अननेसेसरी पॉइंट है. फिर लिखा है कि व्हेनेवर इट अपीयर्स फ्रॉम अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड अंडर दिस सेक्शन दैट द अक्यूज हैज बीन रिलीज्ड ऑन हिज बॉन्ड द मजिस्ट्रेट शैल मेक सच ऑर्डर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ सच बॉन्ड और अदरवाइज थिंग्स. फिर हमने 169 में क्लोजर रिपोर्ट ले ली थी, फिर उस पर्सन से क्या ले लिया था हमने, बॉन्ड ले लिया था कि भाई जब भी मजिस्ट्रेट बुलाए तो तू आ जाना. तो ये बोल रहा है कि यदि मजिस्ट्रेट जो रिपोर्ट फॉरवर्ड हुई है मजिस्ट्रेट को पुलिस वाले के द्वारा, उससे लगता है मतलब पता भी चलता है और अक्यूज को क्या कर दिया है, बॉन्ड पर रिलीज कर दिया है, तो अक्यूज मजिस्ट्रेट क्या कर देगा उस बॉन्ड को डिस्चार्ज कि भाई बॉन्ड का डिस्चार्ज उसको लेकर आओ, उस पर्सन को लेकर आओ, ये ऑर्डर दे देगा. फिर लिखा है 173 के 5 में, व्हेन सच रिपोर्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ केस, व्हेन सच रिपोर्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ केस टू व्हिच सेक्शन 170 अप्लाइज. भाई 170 मतलब अक्यूज के पास हमें सफिशियंट पुलिस वाले को सफिशियंट ग्राउंड मिल गए कि अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है, द पुलिस ऑफिसर शैल फॉरवर्ड मजिस्ट्रेट अलॉन्ग विद द रिपोर्ट. भाई 173 के 2 के रिपोर्ट के साथ में ये सारी चीजें क्या करेगा, पुलिस वाला देगा. क्या लिखा हुआ है, ऑल डॉक्यूमेंट ऑल रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स ठीक है देयर ऑफ ऑन विच प्रोसिक्यूशन पर्पज टू रिलाई अदर देन दोज ऑलरेडी सेंड टू मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 161 के सारे बयान सारे डॉक्यूमेंट सब चीजें क्या दे देगा, 173 के 2 के अलावा इन एडिशन दे देता है 170 में. फिर लिखा हुआ है कि देखो पुलिस वाले को यदि ऐसा लगता है कि कोई स्टेटमेंट ठीक है कोई स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए अक्यूज को, क्यों नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में नेसेसरी है. लेकिन ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, ये स्टेटमेंट मतलब ऐसा नहीं कि कोई अर्जेंट मतलब कोई बहुत नेसेसरी स्टेटमेंट की बात बोल रहा है, बहुत अर्जेंट. क्या लिखा हुआ है, इफ द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग और दैट डिस्क्लोजर टू द अक्यूज इज नॉट एसेंशियल इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड इज इन एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट. कुल मिला के पब्लिक इंटरेस्ट की बात है ठीक है और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस की बात है, ही शैल इंडिकेट दैट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट एंड अपेंड द नोट रिक्वेस्टिंग द मजिस्ट्रेट टू एक्सक्लूड दैट पर्सन फ्रॉम द कॉपीज टू बी ग्रांटेड टू द अक्यूज एंड स्टेटिंग हिज रीजन और मेकिंग सच रिक्वेस्ट. 207 में क्या कंप्लाइंस करनी होती है मजिस्ट्रेट को, ठीक है मजिस्ट्रेट को क्या करना होता है, कंप्लाइंस करनी होती है सारे डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल क्या देने होते हैं, अक्यूज को देने होते हैं. लेकिन इसने कहा 173 के 6 में पुलिस वाले को लगता है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में या पब्लिक इंटरेस्ट में कि नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, तो जस्ट क्या करेगा, रिक्वेस्ट कर देगा मजिस्ट्रेट को, रिक्वेस्ट करेगा प्लीज आप, मैंने क्या कहा रिक्वेस्ट करेगा मजिस्ट्रेट, वो बाद में सोचेगा देना है नहीं देना, उसने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज आप इस पार्ट को क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो. 173 का 7 ठीक है कुछ भी नहीं है, where the police officer investigating the case finds his convenience to do, he may furnish to the accused copies of all or any of the document referred under section 105. ठीक है, फिर ऐसा कहा कि भाई इस मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 173 के 2 में आपने चीजें फाइल कर दी है, चार्जशीट फाइल कर दी, फाइनल रिपोर्ट फाइल कर दी, तो ऐसा नहीं है कि बस मजिस्ट्रेट उसका पुलिस वाले का काम खत्म हो गया, मतलब उसका काम खत्म हो गया ऐसा नहीं है, वो क्या कर सकता है, एडिशनल इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, क्या कर सकता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है. तो इसे पितंबा चार्जशीट बोलते हैं हिंदी में. पढ़ते हैं कि नथिंग इन दिस सेक्शन 173 का 8 इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर अ रिपोर्ट अंडर सब सेक्शन 2 हैज बीन फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट एंड वेयर अपॉन सच इन्वेस्टिगेशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑब्टेन्स फर्दर एविडेंस. समझ रहे हो, 173 के 2 की रिपोर्ट जा चुकी है और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन से कुछ और फर्दर एविडेंस मिलते हैं, ही शैल फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट अ फर्दर रिपोर्ट और रिपोर्ट रिगार्डिंग सच एविडेंस इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब एंड द प्रोविजन ऑफ 226 एज फार एज मे बी इन रिलेशन टू अप्लाई इन रिलेशन, ये जो रिपोर्ट फॉरवर्ड किए ना वो सारे सारे अप्लाई हो जाएंगे. आई होप थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया, 80% तो हमने ट्राई किया समझने का, लेकिन आप बार बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा. एक बार हैंड रेज कर दीजिए, विशाखा, गौरांश, अश्मिता, नूर, हर्षित, समझ में आ गया? एक सेकंड.
ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक बार 167 को। तो मैं कैमरा सही रहता तो सही रहता। ठीक है, तो कैमरा सही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसको ऐसे ऑफ करके, है ना, टर्निंग ऑफ कर देते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम समझ रहे हैं 164 को, बहुत इंपॉर्टेंट दो सेक्शन हम डील करेंगे अब, 164 और 167 को। 164 और 167 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना, कि अब आपको समझ में आएगा कि सेक्टर 12 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इतना हार्ड क्यों है। क्योंकि ये जो है ना, जो दो सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं वो ऐसा मान लीजिए कि सबसे टिपिकल सेक्शन है चैप्टर 12 के। तो 164 को हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक हम सब सिंपल डिस्कस कर रहे थे, अब आएगा 164। 164 है कन्फेशन और स्टेटमेंट। तो देखिए सेक्शन इस 164 के सब सेक्शन 1, 2, 4 जो है वो बात करते हैं कन्फेशन की, और 1, 2 जो 5 to 8 है, ठीक है, 5 to 8 होगा आई थिंक, ठीक है, 5 to 8 पर 5 to 8 है, मुझे आइडिया नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर ले। एक सेकंड, 5 to 6 सॉरी 5 to 6 है ना, तो 5 to 6 5 and 6 ये आपके स्टेटमेंट से डील करते हैं। ठीक है, अब कन्फेशन क्या है, कन्फेशन क्या है यहाँ पे, कन्फेशन जो होता है जो अक्यूज के थ्रू किया जाता है, और स्टेटमेंट क्या, अब स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, स्टेटमेंट देखिए जरूरी नहीं है अक्यूज्ड के थ्रू किया जा रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट है विक्टिम का, ठीक है, विक्टिम का और विटनेसेस का। ठीक है, अब वंस जी देखिए ये पॉइंट हम पहले समझेंगे, सबसे पहला सबसेक्शन डील कर रहा है, इसमें 3 पॉइंट्स है सबसेक्शन 1 के, 1 में 3 पॉइंट है। सबसे पहले बोला गया है कि रिकॉर्ड कौन करेगा, हु, तो है JM और M, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो आपके कन्फेशन को रिकॉर्ड करेंगे, हु रिकॉर्ड द कन्फेशन। फिर दूसरा पॉइंट है कि कब रिकॉर्ड करेंगे, कब मतलब स्टेज, स्टेज क्या है, तो भाई सिंपल है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, पर यहाँ पे थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट कर दिया, वैसे इसको मतलब कोई सेंस नहीं है, समझ रहे हैं, कोई सेंस नहीं है इसका, बोला गया कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। एक बार मैं ये भी बताती हूँ, पूछा जाता है ये 164 के जो कन्फेशन है कब रिकॉर्ड, भाई चैप्टर कौन सा पढ़ रहा है, चैप्टर इन्वेस्टिगेशन का पढ़ रहा है, कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये कौन से चैप्टर में आ रहा है, चैप्टर 12 में आ रहा है, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी से पहले होता है ये रिकॉर्ड। ठीक है, एक बार याद रखना, सब हैंड रेज कर दो, पूछा जाता है 164 के बयान कब लिए जाते हैं, क्योंकि हम चैप्टर ही किसका पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप बस ये याद कर लो कि चैप्टर 12 में लिखा है, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछा जाता है। ठीक है, मैम एक बार वापस बताना, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड बिफोर ट्रायल, इंक्वायरी। ओके, देखिए स्टेज क्या बताई मैंने, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन तो होता ही, तो सबको पता है, पर यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, पर कोई सेंस नहीं है, सीरियसली बता दूं मैं आपको, है ना, होता तो मैं आपको समझा देती, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, इंक्वायरी ट्रायल कमेंस होने से पहले पहले कभी भी, और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इसका टाइम पीरियड बताया गया, और फिर बताया गया तीसरा पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ फर्स्ट सबसेक्शन 1 में, कि कोई जरूरी नहीं है कन्फेशन रिकॉर्ड या स्टेटमेंट कन्फेशन, और ये वाला पॉइंट जो है ना, हाँ ये वाला पॉइंट आपको कन्फेशन स्टेटमेंट दोनों से लिंक्ड है, सॉरी फॉर दिस, है ना, मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ यहाँ पे, आप मुझे एकदम से याद आया ये चीज, कि जो फर्स्ट सबसेक्शन है वो कन्फेशन और स्टेटमेंट दोनों से डील करता है, लिख लीजिएगा एक बार, फर्स्ट सबसेक्शन 164 का, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो स्पेसिफिकली कन्फेशन से है, और जो फिफ्थ और सिक्स्थ जो है वो स्पेसिफिकली किससे है, स्टेटमेंट से। ये बिल्कुल करेक्ट पोजीशन है आपकी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया सबसेक्शन 1 जो है वो कन्फेशन स्टेटमेंट दोनों के रिगार्डिंग है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट और MM करेंगे, स्टेटमेंट आपको बता दिया, और क्या है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो मजिस्ट्रेट
जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एमएम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके पास जुरिडिक्शन हो या ना। जुरिडिक्शन का मतलब है कि मान लीजिए मेरे जुरिडिक्शन में केस हुआ है तो कन्फेशन जो है ना वो दूसरे जुरिडिक्शन के मजिस्ट्रेट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या कन्फेशन जो है वो दूसरे जुरिडिक्शन के मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर लेंगे और उनका क्या ड्यूटी है, लास्ट में यही सबसेक्शन है कि वो रिकॉर्ड करके, वो कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके दूसरे जुरिडिक्शन के वो मुझे भेज देंगे, वो मुझे सेंड कर देंगे। ये सबसेक्शन 6 में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, एक बार हम यही पढ़ लेते लास्ट वाला, द मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन स्टेटमेंट हु हैज नो ज्यूरिडिक्शन, हु हैज नो ज्यूरिडिक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल फॉरवर्ड इट टू द मजिस्ट्रेट बाय हुम द केस इज इंक्वायर्ड एंड ट्रायल, मतलब जिस मजिस्ट्रेट के थ्रू इंक्वायरी एंड ट्रायल होगा उसको वापस से फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ये सबसेक्शन फर्स्ट है सबसे पहले, पर हम हैंड टू हैंड पढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेते हैं सारा। ये फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं एक बार, हमने जैसे दो चीजें डिस्कस करी, एक बार तो जल्दी से रिवाइज कर लेते कि भाई कोई भी एमएमएस में जरूरी नहीं है कि उसका ज्यूरिडिक्शन हो, और दूसरा कब कब कर सकते हैं, तो लिखो इन एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में वेदर और नॉट ही हैज ज्यूरिडिक्शन इन द केस रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन कोर्स और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स। देखो इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल, अननेसेसरी ट्रायल वर्ड लिखा क्योंकि इंक्वायरी के कमेंसमेंट होने से पहले ही आपको 164 के बयान क्या करने हैं, रिकॉर्ड करने हैं। फिर ये भी पढ़ लेते हैं, इसमें बताने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि ये जो कन्फेशन और स्टेटमेंट है ये रिकॉर्ड किए जा सकते हैं ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट, ठीक है, और प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। देखो कभी कभी पुलिस ऑफिसर पे मजिस्ट्रेट की पावर दे दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट की पावर कन्फर दी गई है, कर दी गई है तो वो क्या कर सकता है, वो ये कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मजिस्ट्रेट मतलब मजिस्ट्रेट, डन, एक बार हैंड रेज कर दो, नेक्स्ट करते हैं। देखो मजिस्ट्रेट की एक क्वेश्चन है आपके लिए कि मजिस्ट्रेट की पावर जो है वो हम पुलिस ऑफिसर को कब दे सकते हैं, मजिस्ट्रेट की पावर हम पुलिस ऑफिसर को कब दे सकते हैं, आइडिया किसी को, आपने सेक्शन पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है आपने, मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो हमारे सीओपी है कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है, उनको पावर दी जा सकती है। नहीं नहीं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर, वही मजिस्ट्रेट की पावर जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस को अपन दे सकते हैं। आप लोगों को याद है मैंने एक बार कहा था कि जब है ना मजिस्ट्रेट नहीं है तो सिविल जज की पावर कन्फर की जा सकती है, फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे जहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं मिल पा रहा है तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी क्या दी जा सकती है, क्योंकि कार्यपालिका चीज है तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर कन्फर की जा सकती है, याद है वरांश विशाखा, ठीक है। तो बस यही है कि कब दे दी जाती है, तो दी जाती है ना कमिश्नर ऑफ पुलिस को दी जाती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर। आ जाइए सेकंड पढ़ते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया में आई थिंक ईएम की पावर नहीं है, आई थिंक ये बस चेक कीजिएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट चेक करेंगे एक बार, है ना, ये फैक्ट चेक कर लेना, मुझे सिर्फ सीओपी को दी जाती है पावर, अब किसकी पावर है ना, श्योर है ये, मैं पारुल पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन द रिलेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर को सीओपी को दिया जा सकता है, डन, ठीक है, आगे चलते हैं। ये अब हम सबसेक्शन 2 डील कर रहे हैं, अब सबसेक्शन 2 स्पेसिफिकली कन्फेशन से डील होगा, देखिए कन्फेशन ने बोल दिया कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट की 3 ड्यूटीज है, जब भी कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे ना तो 3 ड्यूटीज है, वो देखेगा कि जो जो स्टेट कन्फेशन है वो वॉलंटरली किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ठीक है, वो मजिस्ट्रेट वॉर्न करेगा उसको, अक्यूज को जो है वो वॉर्न करेगा कि भाई अगर तू एविडेंस दे दे कोई दिक्कत नहीं है, पर इट विल बी यूज अगेंस्ट योरसेल्फ, तेरे अगेंस्ट इनको हम एविडेंस यूज कर सकते हैं, यूज एज एविडेंस अगेंस्ट, ठीक है, वो वार्निंग देगा कि तुम्हारे अगेंस्ट इसको हम यूज कर सकते हैं। और एक और पॉइंट है, देखिए यहाँ पे मुझे याद कर एक बार, वॉलेंटरली, हाँ सिर्फ
और इसको बोलेगा यू आर नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन, यू आर नॉट बाउंड. ठीक है, तो एक बार मैं मेक ही पॉइंट लिख रही हूं यहां पे, बाउंड ये की पॉइंट. देखिए पहले तो बोलेगा कि भाई वॉलंटरी फाइल कर रहा है ना, ये वॉलंटरीनेस को चेक करेगा, इंश्योर कर लेगा, और उसको बोलेगा कि भाई यू आर नॉट बाउंड टू मेक दैट स्टेटमेंट, और उसको वार्न करेगा कि अगर तुमने स्टेटमेंट किए तो तुम्हारे अगेंस्ट इनको यूज कर लिया जाएगा. ठीक है, ये किसकी ड्यूटी है, ये मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि मैजिस्ट्रेट ये सब चीजें उनको इन्फॉर्म करेगा. ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़िए पारुल, पढ़िए एक बार सेकंड वाला. The magistrate shall, before recording any such confession, explain to the person making it that he is not bound to make a confession, and if he does so, it may be used as evidence against him. And the magistrate shall not record any such confession unless, upon questioning the person making it, he has reason to believe that it is being made voluntarily. देखो तीन चीजें करेगा magistrate. पहले तो उसको बोल देगा कि you are not bound to, मतलब you are not bound to make a confession. Second चीज, यदि आपने कन्फेशन किया, इट विल बी यूज अगेंस्ट एविडेंस, मतलब इट विल बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट यू. और द थर्ड वन की मतलब मजिस्ट्रेट ऐसी चीजें रिकॉर्ड ही नहीं करेगा जब तक मजिस्ट्रेट ये कंफर्म नहीं हो, मतलब इंश्योर करेगा, मजिस्ट्रेट इंश्योर्स दैट इट इज मेड वॉलंटरली बाय द अक्यूज्ड, इंश्योर कर लेगा. ठीक है, और फिर एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे थर्ड कि मान लीजिए ये अक्यूज्ड है, ये मजिस्ट्रेट के सामने आया, ये मजिस्ट्रेट इनके सामने आया और कन्फेशन करने वाला है. अब मजिस्ट्रेट के सामने जैसे ही कन्फेशन कर रहा करने वाला है, आया है, खड़ा हुआ है, और इसने मना कर दिया कि नहीं सर, मेरा मेरे को पहले लग रहा था कि मुझे कन्फेशन करना चाहिए, पर अब मुझे कन्फेशन करने का मन नहीं है, मेरा मन नहीं है सर कन्फेशन करने का, मैं आया तो कन्फेशन करने के लिए था पर मेरा मन नहीं है. तो मजिस्ट्रेट जो है इसको कंपेल नहीं करेगा. क्यों कंपेल नहीं करेगा? बिकॉज ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है ना, सेल्फ इनक्रिमिनेशन करेगा. तो इस केस में पॉइंट क्या है कि जो मैजिस्ट्रेट है इस पर्सन को अब जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा, पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा. ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन लगेगा. क्या पुलिस कस्टडी में, मतलब अब वो देखो आया तो उसको, मतलब आया तो वो कन्फेशन देने के लिए लेकिन मना कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट को कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस ने इसको डांट फटकार के ऐसा रहता है ना कि डांट डांट के भेजा है, मतलब उसको डांट के कि भाई तू जाके कन्फेशन कर, अब वो मना कर रहा है ना, तो अब पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा, अब उसको जुडिशियल कस्टडी में रखता है. ठीक है, पुलिस कस्टडी नहीं होगी यहाँ पे, ध्यान रखना जुडिशियल कस्टडी. एमसीक्यू क्वेश्चन आपका कि विच कस्टडी ऑथराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट, यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी ना कि पुलिस कस्टडी, हम पढ़ेंगे पीसीजे से भी अभी. फिर फोर्थ तो सिंपल है कि यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग होगी, यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग होगी 281 के अकॉर्डिंग होगी. 281 में क्या होता है? अक्यूज्ड का एग्जामिनेशन रिकॉर्ड. ठीक है, 281 में अक्यूज का जैसे एग्जामिनेशन करते हैं ना, वैसे यहाँ पे एग्जामिनेशन हो जाएगा. एमएम करेगा वो तो एमएम और सीजीएम तो सब्सटेंस रिकॉर्ड, नहीं एमएम सब्सटेंस रिकॉर्ड करेगा और सीजीएम और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करते हैं वर्ड टू वर्ड, मतलब नरेशन नरेटिव फॉर्म में एग्जामिनेशन कर लेते हैं अक्यूज्ड की रिकॉर्ड की लैंग्वेज में, है ना. तो यहाँ पे शैल बी साइन, और फिर इसे साइन कर दिया जाएगा किसके थ्रू, एक तो अक्यूज्ड के थ्रू और मैजिस्ट्रेट के थ्रू इसको साइन कर दिया. 281 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करके इस कन्फेशन को अक्यूज और मजिस्ट्रेट के थ्रू साइन कर दिया जाएगा. और यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो है एट द फुट किसके एट द फुट, जो रिकॉर्डिंग हुई है सारे रिकॉर्डिंग हुई इसके एट द फुट में एक क्या बनाएगा, मीमो बनाएगा, उसमें लिखेगा कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें पढ़ देती हूँ मैं कि आई एम एक्सप्लेनिंग, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि वो बाउंड नहीं है. ठीक है, और ये जो कन्फेशन उसके अगेंस्ट यूज हो सकते हैं, कन्फेशन जो है वो वॉलंटरी किया गया है, मेरी प्रेजेंस और हियरिंग में किया गया है, और मैंने इसको रीड ओवर करके सुना दिया जो उसने कहा, और इसने एडमिट भी कर लिया है. और आपको मैं लास्ट बात बोलना चाहूंगा कि ये फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर है. ठीक है, एक बार बताएगा कोई कन्फेशन जो है उनकी एक सेल्फ प्रिजम्पशन ली जाती है कि वो ड्यूली प्रूव्ड है, जेन्युइन है और ट्रूली और ट्रू है. ये कौन सा सेक्शन है एविडेंस एक्ट का? बताइए एविडेंस का के लिए जो प्रिजम्पशन ली गई है, कन्फेशन के लिए जो प्रिजम्पशन ली गई है, वो कौन सा सेक्शन है एविडेंस एक्ट का? सेक्शन 80 एविडेंस एक्ट. ठीक है, कन्फेशन की प्रिजम्पशन है वहां पे, एविडेंस की प्रिजम्पशन है. तो ये काफी है, इसमें अपन को ज्यादा डिस्कस नहीं करना. अब आते हैं अपन स्टेटमेंट की तरफ. ठीक है, बोलो यहां तक अपना कंप्लीट है. अब अपन आ गए स्टेटमेंट की तरफ, आ चुके. अब स्टेटमेंट में समझिए यहाँ पे क्या है. स्टेटमेंट में कुछ नहीं है. अच्छा, एक चीज मैं आपको बोलना चाहती थी,
कि जो हम कन्फेशन की बात करके आए ना ऊपर, टू थ्री फोर में, ये कन्फेशन कभी भी ओथ पे नहीं होती है, ओथ पे नहीं होती है। ये अगर ओथ पे हो गए, अगर कन्फेशन ओथ पे ले लिया तो ये इलीगल हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। डन रखना, बिल्कुल ध्यान रखना, कन्फेशन ऑन ओथ इज इलीगल। अच्छा स्टेटमेंट की अब हम बात करेंगे, फाइव एंड सिक्स, तो फाइव सिक्स भी कॉमन है, वन और सिक्स जो है ना वो कॉमन है, ध्यान रखिएगा ये कॉमन सेक्शन है, इसके लिए कन्फेशन और स्टेटमेंट के लिए। और फिफ्थ वाला जो है ना, फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ ए भी है ना, ए और बी सारे जो भी दो तीन सेक्शन इंसर्टेड है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ना वो आपके ओथ पे होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इनकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी, जैसा कि हम एविडेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं 274 में, 275 में और 277, जैसे हम एविडेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं ना वैसे इनको रिकॉर्ड, ठीक है। देखिए मैं पढ़, यहाँ पे पढ़ दीजिए, पावलो को पढ़ लीजिए फिफ्थ वाला स्टेटमेंट, अदर देन अ कन्फेशन made under subsection 1 shall be recorded in such manner hereinafter provide for the recording of evidence as in the opinion of the magistrate best fitted to the circumstances of the case and the magistrate shall have power to administer oath to the person whose statement is recorded। देखो ये जो 164 में जो confession है वो oath पे नहीं होते हैं, लेकिन statement oath पे हो सकते हैं, ठीक है। Confession oath पे इसलिए भी नहीं होगी article 20 clause 3 के कारण, self incrimination के कारण, ठीक है। ओथ कन्फेशन ओथ ये स्टेटमेंट ओथ पे हो सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। देन देन देखिए 5A, ये जो 5 है आपका इंसर्ट हुआ है, देखिए 5 पे कौन से अमेंडमेंट से इंसर्ट हुआ है, ये अमेंडमेंट सारे दिखिएगा आप, 2013 का अमेंडमेंट से ऐड हुआ है 5 पे, ये हम ऑलरेडी पढ़कर भी आ चुके हैं 154 में, याद हो। हाँ 154 में हम बिल्कुल एज इट इज हमने पढ़ लिया है, 154 के जो प्रोविजो है, 154 का जो प्रोविजो है ना उस पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड फॉर द सेकंड प्रोविजो है ये, उसमें तो इसमें बोला गया है कि जो रेप, सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऑफेंस है, रेप के ऑफेंस है और ईव टीजिंग के ऑफेंस है, ठीक है, ईव टीजिंग के ऑफेंस है, इन सभी ऑफेंसेस की रिकॉर्डिंग है वो मैजिस्ट्रेट के थ्रू की जाएगी, मैजिस्ट्रेट के थ्रू उस टाइम में की जाएगी, एज सून एज द ऑफेंस इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पुलिस ऑफिसर। सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप एंड ईव टीजिंग के ऑफेंसेस की जो रिकॉर्डिंग है, इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड करते हैं एफआईआर, तो पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और उन स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग से मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड मजिस्ट्रेट है, तो जैसे उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है पुलिस ऑफिसर के थ्रू 157 में कि सर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है रेप के लिए, पर वो 157 वाली इन्फॉर्मेशन तो बाद में रिसीव होती है, उससे पहले ही पुलिस ऑफिसर को जैसे पता चलता है कि रेप हुआ है, तो हैंड टू हैंड पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी कि अपने अपने ज्यूरिडिक्शन के मैजिस्ट्रेट को कॉल करके बोलेगा कि सर आप भी आ जाइए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए उस महिला के जिनके साथ रेप हुआ। मुझे स्टेट भी भागते हुए वहां पे जाएगा, उसके प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे जाएगा या फिर अपने घर पे, अपने कहीं भी जहां पे सुटेबल प्लेस है, यहां पे मेंशन नहीं किया गया प्लेस, भाई पुलिस ऑफिसर को तो उसके रेजिडेंस पे जाना पड़ेगा, प्लेस ऑफ चॉइस पे जाना पड़ेगा जहां पे महिला रहती है, विमेन रहती है जिसके साथ रेप हुआ है, पर मजिस्ट्रेट के लिए कोई प्लेस मेंशन नहीं है, तो मजिस्ट्रेट का जो भी वहां पे डिस्क्रिप्शन रहता है उस अकॉर्डिंग डील होगा। तो एज सून एज द कमीशन ऑफ ऑफेंस इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पुलिस के नोटिस में आया, ठीक है। पर यहाँ पे अपन ने सेम टू सेम पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम है कि टेम्पररी परमानेंटली मेंटली डिसेबल फिजिकली डिसेबल कोई भी वुमेन है, ठीक है, प्रोवाइडेड इन द पर्सन, यहाँ जहां भी ना आप इस, जैसे ये है इसका प्रोवाइजो है, तो ये प्रोवाइजो हमेशा ऊपर वाले से डील होता है, ध्यान रखना। तो मतलब ये किससे डील हो रहा है, उन सभी महिलाओं के साथ जिनके साथ रेप हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है और ईव टीजिंग हुई है, उन सभी वुमेन के लिए ही बात की गई है कि अगर ऐसी वुमेन जो है जिनके साथ ये ऑफेंस हुआ है तो परमानेंटली टेम्पररी फिजिकली मेंटली डिसेबल है, तो यहाँ पे हम असिस्टेंस लेंगे इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका। और ये जो पूरी रिकॉर्डिंग है ये वीडियोग्राफ्ट होगी, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये पॉइंट ऑलरेडी हम सेक्शन 154 में एज इट इज पढ़ चुके, ठीक है। फिर बी पॉइंट देखिए यहाँ पे, अब ये बी पॉइंट थोड़ा सा अलग है, बी पॉइंट अलग है यहाँ पे, बी पॉइंट में देखिए, ए बी पॉइंट में सिंपल सी बात बोली गई है यहाँ पे कि कोई भी विमेन जिसके साथ रेप हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है और
ईव टीजिंग हुई है, मतलब 509 का ईव टीजिंग हुई है, 509 का ऑफेंस हुआ है, तो उस विमेन जो कि फिजिकली मेंटली टेम्परेरी और परमानेंटली डिसेबल्ड है, उस विमेन के अगर स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड कर लिया, सपोज कीजिए मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, मैं किसी विमेन के जिसके साथ रेप हुआ वो फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड है, ठीक है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसके साथ रेप हुआ है, अब मैं उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके आ जाती हूँ मेरे ऑफिस में, अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, अब ट्रायल चालू हो चुका है, तो मैंने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए ना, समझेगा वो स्टेटमेंट, उनको हम उन स्टेटमेंट को हम एग्जामिनेशन इन चीफ ट्रीट कर लेते हैं, मतलब इस विमेन को जो कि प्रोसिक्यूशन की विटनेस ही कहलाएगी, विक्टिम है, प्रोसिक्यूशन की विटनेस है, उसे कोर्ट में अपने एग्जामिनेशन इन चीफ के लिए जो कि फर्स्ट स्टेज होती है एग्जामिनेशन की, उसके लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो स्टेटमेंट मैंने रिकॉर्ड किए ना, वो एग्जामिनेशन इन चीफ के इक्विवेलेंट मान लिए जाएंगे, द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय मी, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू एग्जामिनेशन इन चीफ, मतलब ऑलरेडी उसका एग्जामिनेशन चीफ हो गया है, तो जो स्टेटमेंट्स हैं उनका उन पे उस विमेन को अब क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं और री एग्जामिन कर सकते हैं, मतलब उसका एग्जामिनेशन चीफ अब नहीं होगा, अब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और री एग्जामिनेशन। समझ में आया फरांश, अश्मिता एक बार दोबारा बताऊं, सुरीना मैम, मतलब मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड कर लिया ना, तो एग्जामिनेशन चीफ वाली स्टेज पे जाने की जरूरत नहीं, जो मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड करा उसी एग्जामिनेशन चीफ कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है, नेक्स्ट खत्म। और ये मैंने लास्ट में डिस्कस कर लिया 6वां, ठीक है, अब आते हैं हम जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है 167 का, 167 जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल फोकस करके बैठिएगा, कहीं आपकी जो मतलब है ना, आपका बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए, है ना, आपका माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए यहाँ पे 167, ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, व्हेन पुलिस इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। अब आप भी तो कॉमन सेंस की बात है कि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन होगी कैसे, मैम ये मतलब नहीं है कि 24 घंटे में खत्म होगी नहीं होगी, ये कोई सेंस वाली बात नहीं है, बात ये है कि 24 घंटे में अगर मान लीजिए हमने अब हमने अक्यूज को पकड़ा और उसको हमने 24 उसको हमने अपने पुलिस ने अपने पास रखा 24 घंटे तक, धमाधम पीट रही है पुलिस जो है उसको धमाधम पीट रही है 24 घंटे के लिए, उस अक्यूज की क्या हालत है आप समझिए, पल अपने को माइक माइक म्यूट करना वहां से, तो पुलिस जो है उसको 24 घंटे तक धमाधम पीट रही है, अब उसकी उसके राइट का क्या होगा भाई, उसका भी तो राइट है, तो यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की 24 घंटे के अंदर उसको पीटने के बाद भी वो सच नहीं बोल रहा, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, तो उस अक्यूज का क्या होगा, उसे हम जेसी में डालेंगे या फिर पीसी में डालेंगे, ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन अगर 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं होती तो अक्यूज का क्या होगा, ये सेक्शन 167 डील करता है, उसको किसकी कस्टडी में दिया जाएगा, क्योंकि पुलिस ने तो 24 घंटे खूब पीट लिया उसको, अब पुलिस के पास उसको रख दिया तो वो तो अगले दिन मर ही जाएगा, वो इतना पीट रही पुलिस, समझ रहे, पुलिस का ट्रीटमेंट आपको पता होगा, तो इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए उसके राइट यहाँ पे प्रिवेंट किए गए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं 167 को, 167 का जो पॉइंट 1 जो है, यहाँ पे पहले हम पूरा सिनेरियो आपको समझा दूंगे मैं और फिर हम आगे आपको समझा दूंगे कैसे हमको पढ़ना है, तो देखिए पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, उसने क्या हुआ कि 24 आवर्स में उसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं है, पुलिस ऑफिसर कौन है, 2 पर्सन है, मैं आपको बता दूंगी, 2 जने हो सकते हैं, तो 24 आवर्स में अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट नहीं होती तो पुलिस ऑफिसर जो है वो मैजिस्ट्रेट को बोलता है कि सर देखिए जो ये पर्सन है जो अक्यूज पर्सन है उसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म तो नहीं हुई सर, पर उसके रिगार्डिंग जो एक्विजिशन है उसके रिगार्डिंग जो चार्जेस बने हैं एक्विजिशन है सर वो वेल फाउंडेड है, हमें लग रहा है कि इस बंदे ने ऑफेंस तो किया होगा, तो सर हमें ना इसकी कस्टडी दे दो, तो मजिस्ट्रेट बोलता है कि भाई कौन सी कस्टडी, अब ये मजिस्ट्रेट कौन सा है, ये मजिस्ट्रेट भी अलग अलग हो सकते हैं, देखिए मजिस्ट्रेट कौन सा है मैम, ये भी अलग अलग हो सकते हैं, ये भी डिस्कस कर लीजिए, तो मजिस्ट्रेट बोल रहा है यहाँ पे कि क्या भाई क्या कस्टडी चाहिए, तो यहाँ पे पुलिस वाला बोल रहा है कि सर देखिए या तो आप पुलिस कस्टडी दे दीजिए या फिर आप जुडिशियल कस्टडी दे दीजिए,
तो ध्यान रखना, अगर पुलिस ऑफिसर बोलता है कि सर मुझे पुलिस कस्टडी चाहिए, तो ये मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन है कि वो पुलिस कस्टडी दे या ना दे, पर ये पुलिस कस्टडी किसी भी केस में 15 डेज से ज्यादा नहीं होगी। क्या? 15 डेज इन होल, 15 दिन के से ज्यादा नहीं होगी। अभी 15 दिन भी इनिशियल डेज होने चाहिए, मतलब आज मान लीजिए मैंने एक अक्यूज को पकड़ा, कल 24 घंटे हो जाएंगे, 9 मई को 24 आवर्स लेट हो जाएंगे, उस 24 आवर्स से पहले पहले, मतलब कल की 9 तारीख के जो टाइमिंग है उससे पहले पहले मुझे इसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, अब मजिस्ट्रेट के सामने मैंने उसको प्रेजेंट किया, तो उस केस में उस दिन से मजिस्ट्रेट के सामने जब प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे, देखो प्रोड्यूस करा मैंने मजिस्ट्रेट के सामने उसके 15 डेज को, सिर्फ ये 15 दिन, तो मतलब 9 मई को प्रोड्यूस करा, 8 मई को तो मैंने पकड़ा उसको, ठीक है 9 मई को मैंने प्रोड्यूस किया, तो 9 से आप 15 डेज काउंट कर लीजिए, 9 से आप 24 डेज होता है, आई थिंक 24 डेज, 9, 10, 20, 25, 24 डेज है ना, 24 डेज, 24th मई तक, मतलब 15 दिन से ज्यादा ये आपकी पुलिस कस्टडी नहीं हो सकती किसी भी केस में इन होल। ध्यान रखना 15 दिन ये सिर्फ इनिशियल है, जब आपने मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया उससे 15 दिन ये कस्टडी मैक्सिमम है। आप पुलिस चाहती तो, मजिस्ट्रेट चाहता तो 2 दिन दे दे, फिर 2 दिन एक्सटेंड कर दे, फिर 2 दिन एक्सटेंड कर दे, फिर 2 दिन एक्सटेंड कर दे, पर ये टोटल कितनी दिन की होगी? सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की होगी, 15 डेज की होगी, वो भी इनिशियल। मान ले कि 7 दिन पुलिस कस्टडी दे दी, 7 ऐसे दे दिया कि 3 दिन पुलिस कस्टडी, 3 दिन जुडिशियल कस्टडी, फिर 3 दिन पुलिस कस्टडी, फिर 3 दिन, मतलब टोटल 15 डेज में 7 दिन पुलिस कस्टडी हुई, 7 दिन जुडिशियल कस्टडी हुई, तो उस 15 दिन के बाद भी नहीं दे सकती, कंप्लीट नहीं दे सकती। नहीं, अन्नेश कुमार का केस है, अन्नेश कुमार का केस है सीबीआई, तो इसके इनिशियल 15 डेज है। वैसे ये जो पॉइंट है वो रेफर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, रेफरेंस दिया गया, पर अभी तक का जो प्रेसिडेंट है, अभी तक की जो जजमेंट है वो यही बोलती है कि इनिशियल 15 डेज के लिए 15 दिन, आपने 15 दिन में से सिर्फ 7 दिन दिया और 15 दिन खत्म हो गया, वापस से पीसी देना चाहता है तो यू आर नॉट अलाउड, पुलिस ऑफिसर को अलाउड नहीं है, 15 दिन तक पीटो आराम से, और 24 घंटे और पड़े, 16 दिन तक पीटो आराम से, और ये 15 दिन ये तो उसका राइट है 24 घंटे का, तो 15 डेज जो है ना ये मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन होगा, वो 15 डेज सेंक्शन करे या ना करे। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको बहुत एम्फोसिस करके बता दी चीज, अन्नेश कुमार से हेल्प। अब जुडिशियल कस्टडी की बात करते हैं, तो पीसी होगी, ठीक है, अब पीसी हमने दे दी यहाँ पर, अब क्या हुआ कि जैसे मान लो हमने 3 दिन की पीसी मजिस्ट्रेट ने सैंक्शन करी, भाई मैक्सिमम 15 दिन की चलती है, अब 3 दिन के बाद पुलिस ऑफिसर को लगता है कि नहीं यार 3 दिन में काम नहीं हुआ पुलिस मारने का, और 3 दिन की पुलिस कस्टडी लेते हैं, मजिस्ट्रेट ने सैंक्शन कर दी, ठीक है, मजिस्ट्रेट ने बोला नहीं, मजिस्ट्रेट ने सैंक्शन कर दी तो वेल एंड गुड है, मजिस्ट्रेट ने बोला कि नहीं 30 दिन हम अगले फर्दर 3 डेज की पुलिस कस्टडी सेंक्शन नहीं करेंगे, हम तो जुडिशियल कस्टडी सेंक्शन करेंगे। तो अब बात आती है जुडिशियल कस्टडी की, तो कहने का मतलब है कि जितने भी दिन की कस्टडी कोर्ट ने सेंक्शन किए मैक्सिमम 15 डेज की पुलिस कस्टडी होगी, और हो सकता है कि आपको यहाँ पे इनिशियल डेज में आपने पुलिस ऑफिसर ने बोला कि मुझे पुलिस कस्टडी चाहिए, पुलिस ने बोला कि मुझे पुलिस कस्टडी चाहिए, पर मजिस्ट्रेट ने जुडिशियल कस्टडी दी, हो सकता है वो जरूरी नहीं पुलिस कस्टडी देगी, मजिस्ट्रेट का सोल डिस्क्रिप्शन है, पर अगर मजिस्ट्रेट को पुलिस कस्टडी देनी है ना तो उसके लिए भी टाइम बाउंडेशन है कि इनिशियल 15 डेज में दो, तो नहीं दे सकती पुलिस मजिस्ट्रेट को थ्राइस नहीं। तो अब यहाँ पे मान लीजिए सपोज करें कि मान लीजिए उसको या तो पुलिस कस्टडी दे दी इनिशियल जो है 15 दिन की, या तो पुलिस कस्टडी दे दी या फिर जुडिशियल कस्टडी दे दी, जो भी देना है दे सकते, ठीक है। अब 15 दिन के बाद 15 डेज, अब हम बात करें आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज तो भाई एक ही ऑप्शन है जुडिशियल कस्टडी, After 15 days, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी किसी भी केस में आप ले सकते। तो 15 दिन के बाद मान लीजिए 15 दिन के यहाँ पे 15 दिन हो गए, मान लीजिए 15 दिन या फिर जितने भी दिन है, अब जुडिशियल कस्टडी चाहिए मान लीजिए पुलिस ऑफिसर को, तो अगर उनको लगता है कि सफिशियंट ग्राउंड है, पुलिस ऑफिसर बोलते कि सर यहाँ पे सफिशियंट ग्राउंड, और मजिस्ट्रेट को भी लगता है, तो यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी सेंक्शन की जाएगी मजिस्ट्रेट के थ्रू, क्योंकि 90 डेज और 60 डेज की सकती है, मतलब जुडिशियल कस्टडी का भी टाइम फिक्स है 90 डेज और 60 डेज। ये 90 डेज किसके लिए है? जहां पे ऑफेंस डेथ एलआई और डेथ एलआई और 10 ईयर की इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल है, 10 ईयर की इंप्रिजनमेंट से ज्यादा, ये ध्यान रखना ज्यादा है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, इक्वल लिखा हुआ है आपके बेयर एक्ट में,
पर केस आ चुका है यहाँ पे जहां पे अप टू 10 ईयर है। जैसे कल्पेबल होमिसाइड की आपकी कल्पेबल होमिसाइड अगर आपने नॉलेज के बेस पे किया तो सेक्शन 308 में वहां पे पनिशमेंट होती है वो मे एक्सटेंड टू 10 ईयर है, 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। तो 10 साल तक 60 डेज होगा अप टू 10 ईयर। देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अप टू टेन ईयर और पनिशमेंट है तो उस केस में जुडिशियल कस्टडी 60 दिन दी जाएगी। सपोज करो एक बंदा है उसने एक ऑफेंस किया है कल्पेबल होमिसाइड जो कि नॉलेज पे किया गया, अब उस बंदे को कौन सी पनिशमेंट मिलेगी, उस बंदे को मिलेगी अप टू 10 ईयर की। तो उस केस में पुलिस कस्टडी सिर्फ 60 दिन की ही सैंक्शन की जाएगी। अगर मान लो किसी बंदे ने मर्डर किया है और मर्डर की पनिशमेंट क्या है, डेथ और LI, तो उस पर्सन को जो मजिस्ट्रेट है मैक्सिमम 60 डेज की, मैक्सिमम 90 डेज की जो कस्टडी है जुडिशियल कस्टडी वो सैंक्शन कर सकती है। देखो जहां पे वर्ड लिखा हुआ है अप टू 10 ईयर्स तो वहां 60 डेज, और जैसे कभी कभी आप देखोगे नॉट लेस देन 10 ईयर्स, समझ लो नॉट लेस देन 10 ईयर, मतलब 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, वहां पे 90 डेज है। समझ में आ गया सबको? विशाखा नूर एक बार हैंडल कर, अप टू 10 का मतलब है 10 तो वहां पे क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं, बेरेक में लैंग्वेज क्लियर नहीं है, लेकिन एक केस के थ्रू बोला अप टू 10 इयर्स लाइक 60 डेज, और यदि नॉट लेस देन मतलब 10 तो मिलना ही मिलना है तो वहां पे 90 डेज का जुडिशियल कस्टडी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बता दिया क्या-क्या सीन यहां पे आपको एग्जिट। अब 90 डेज और 60 डेज खत्म हो गए, एक बंदा है उसको पुलिस कस्टडी दी गई, पहले मैक्सिमम 15 दिन की होती तो 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी, उसके बाद उस बंदे को 90 डेज की मान लीजिए आपने मैक्सिमम क्या दे दी, जुडिशियल कस्टडी दी। अब जैसे ही उसके 90 डेज और 60 डेज कब से काउंट हो रहे हैं, ध्यान रखना ये 90 डेज और 60 डेज आपके फर्स्ट डे फ्रॉम प्रोडक्शन बिफोर द मजिस्ट्रेट, मतलब आप जब फर्स्ट डे जब मजिस्ट्रेट ने प्रोड्यूस किया ना यहां से 90 डेज और 60 डेज काउंट हो रहा है, यहीं से 15 डेज भी काउंट होते हैं और यहीं से ही 90 डेज और 60 डेज भी काउंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जिस दिन मजिस्ट्रेट के सामने आपने प्रोड्यूस किया कि सर रिक्वेस्ट के साथ कि सर इसको PCGC दीजिए, उस दिन से 60 डेज अगर लेप्स हो गए उसके बाद दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड फॉर द डिफॉल्ट बेल इफ द पुलिस ऑफिसर फेल्स टू फाइल हिज चार्जशीट। अगर पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट अगर नहीं फाइल करी 90 और 60 दिन में, जो कि कब से गिन रहे अपन, फर्स्ट डे फ्रॉम फर्स्ट डे जब आपने मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया है, उसके 90 और 60 डेज ओवर होने के बाद अगर चार्जशीट फाइल नहीं करता तो यहाँ पे डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। डिफॉल्ट बेल का मतलब है ही कैन क्लेम द बेल एज अ मैटर ऑफ द राइट। मैं बता देती हूँ ये 90 डेज और 60 डेज यदि आपको याद भी नहीं रहे तो ये याद रख लेना, जो 15 दिन है ना ऊपर वाले 15 दिन वो इस 90 दिन और 60 दिन में इंक्लूड रहते हैं, ठीक है, उस 90 और 60 दिन में इंक्लूड रहते हैं। और हमने जब एक बार आपको याद है मैंने बोला था बेल कहीं नहीं, बेल मैटर ऑफ राइट नहीं होती CRPC में 372 से 380 के अलावा, लेकिन 167 में भी डिफॉल्ट बेल का प्रोविजन है कि यदि 90 और 60 दिन में इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट नहीं होती है तो वो पर्सन एंटाइटल्ड है डिफॉल्ट बेल के लिए। और याद रखो इस 90 और 60 दिन में वो 15 दिन भी इंक्लूडेड है, मतलब प्रोडक्शन स्टार्टिंग का प्रोडक्शन से 60 दिन 90 दिन है, 15 दिन खत्म होने के बाद 7 दिन और 90 दिन है, एक बार याद रखिए और हैंड रेज कर दीजिए इस चीज के लिए, ठीक है, 90 60 दिन में 15 दिन इंक्लूडेड है, डिफॉल्ट बेल मिल जाती है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भी कौन सा पुलिस ऑफिसर है ना, पुलिस ऑफिसर कौन से है, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर है एक तो आपके जो OIC ऑफ पुलिस स्टेशन है, OIC ऑफ पुलिस स्टेशन है, ठीक है, OIC और पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है और पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ SI। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ, कुछ कुछ चीजें मेरे माइंड से भी स्किप हो जाती है। यहाँ पे देखिए कौन सा है, एक बार यहीं पे बता देती हूँ आपको कि कौन है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन इफ ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ द SI। देखो वापस बता देती हूँ आपको कौन है यहाँ पे ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपका SI की रैंक से बिलो नहीं होना चाहिए, मतलब SI होना चाहिए, तो रैंक का मतलब क्या है, या तो SI होना चाहिए या फिर SI से अबव की रैंक का होना चाहिए, तो सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, तो सब इंस्पेक्टर की रैंक से अबव बंदा ही यहाँ पे ये ऐसे रिक्वेस्ट कर सकता है JC और PC।
क्वेश्चन है मजिस्ट्रेट कौन सा होना चाहिए, मजिस्ट्रेट नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है, कहने का मतलब है जरूरी नहीं है जैसे हमने पढ़ा था 164 में कन्फेशन रिकॉर्ड करते साथ टाइम पे मजिस्ट्रेट के पास जुरिडिक्शन होना जरूरी नहीं है, वैसे ही यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास जुरिडिक्शन होना जरूरी नहीं है कि OICPS IO जो है वो दूसरे मजिस्ट्रेट के पास भी इसको प्रोड्यूस करके बोल सकते हैं कि सर इसकी बार आप सेंक्शन कीजिए कस्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो है उनको भी आप भेज सकते हैं। यहाँ पे मजिस्ट्रेट कौन सा है, यहाँ पे मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी है और यहाँ पे मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास भी हो सकता है, पर यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या है, ये सारे आगे के पॉइंट आपके, पर मैं पहले बता रही हूँ जिसे आपको चीजें सीक्वेंस मतलब ड्रामेटिकली डायग्राम में याद हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है आपका वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जिसे जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर कन्फर की गई है, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर कन्फर की गई है ना, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहाँ पे हो सकता है। और इसके साथ एक और चीज है कि हम ईएम की हेल्प तभी लेंगे जब हमारे पास के जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, अगर हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है और ऐसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है, सिर्फ उसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास आप जाके हाथ जोड़ोगे कि सर प्लीज इस बंदे की कस्टडी सैंक्शन कर दीजिए, अदरवाइज ईएम को कोई पावर नहीं। ईएम को दो ही केस में पावर है, दो ही केस मतलब दो ही केस इन द सेंस कि दो कंडीशन साइमल्टेनियसली कंप्लाइड होने चाहिए जब हमारे जेएम अवेलेबल नहीं हो और ईएम को जेएम की पावर दे रखी हो, उसी ईएम को जेएम की पावर दी जा सकती है, ठीक है। तो इस केस में और मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी जो है सेंक्शन कर सकता है, पर यहाँ पे क्या है, हाई कोर्ट से एम्पावर्ड हाई जो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है सिर्फ वो ही यहाँ पे लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्किप करेंगे यहाँ पर ना पढ़ेंगे जब डायरेक्ट, हाई कोर्ट से एम्पावर्ड सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ही यहाँ पे कस्टडी दे सकता है और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट पर यहाँ पे पुलिस कस्टडी नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल कस्टडी दे सकता है इवन दो ही इज एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट से एम्पावर्ड है तब भी वो जुडिशियल कस्टडी नहीं देगा, पुलिस कस्टडी ही देगा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पे ईएम की आपकी विशेषता है मतलब फीचर है ईएम का कि ईएम जो है ना आपको अगर वो पीसी भी दे सकता है, जेसी भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो मैक्सिमम इनिशियल 7 डेज की जेसी पीसी ही दे सकता है। क्या बोला मैंने, इनिशियल 7 डेज की जेसी पीसी ही दे सकता है, उससे ज्यादा मैक्सिमम 15 डेज वाला टाइम इसके लिए नहीं है, इसके लिए सिर्फ 7 डेज का टाइम है और 7 डेज के बाद भी अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि भाई 7 डेज के बाद भी इस बंदे को जेसीपीसी में रखना चाहिए, तो फिर ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हाथ जोड़ के बोलता है कि सर मेरे को तो भाई आईपीसी के सेक्शन में सिर्फ 7 डेज की पावर है, सिर्फ 7 डेज की मेरे को पावर है। अब पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि सर देखिए आपके 7 आप मेरे पास पहले आ चुके हैं, 7 दिन खत्म हुए, आप देख लीजिए। ईएम बोल रहे हैं यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को कि भाई मेरी 7 डेज की पावर है, तो आप कृपया करके अपने मजिस्ट्रेट जिसके पास जुरिडिक्शन है ना उनके पास जाइए, अगर आपको 7 दिन के बाद भी क्या चाहिए, कस्टडी चाहिए अक्यूज के। आफ्टर 7 डेज कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है ना जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाना, ठीक है। अब मैंने आपको एक और पॉइंट बताया यहाँ पे कि यहाँ पे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं अपन, क्या पॉइंट है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को भी बोला जा सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कि सर प्लीज आप एक बार सेंक्शन कर दीजिए ना क्या कस्टडी, ठीक है। अब नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है वो या तो कस्टडी को सेंक्शन करेगा, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अगर बोलता कि नहीं, नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलता है नहीं मैं सेंक्शन नहीं करूंगा, मुझे नहीं लगता इस केस में कस्टडी देनी चाहिए, अक्यूज को आराम से घर पे जा दे, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट बोला जिसको जुडिशियल नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो कौन होगा, इस केस में जो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ना, अगर उसने मना कर दिया तो आपके पास एक और राइट मिल जाता है, आप फिर अपने वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है ना, आपके प्यारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो आपके जुडिक्शन वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनके पास जाइए और बोलिए कि सर देखिए उन्होंने तो मना कर दिया, अब आप दे दीजिए प्लीज। मैं तो वो बोलता है कि भाई पहले क्यों नहीं आए, तो सर मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि आप बहुत दूर है, मैं नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास चला गया, क्योंकि सेक्शन 167 में आपको अगर कस्टडी सेंक्शन करवानी है अक्यूज की तो सर जुडिक्शन की कोई नीड नहीं होती सर,
तो मैं नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास चला गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, पर उसने सैंक्शन नहीं किया सर, इसलिए मैं अपने जुडिशियल वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आपके पास आया। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको सारे लगभग बता दिए, अब आप पढ़िए। तो और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं इसमें, पर मैं अभी डिस्कस करना नहीं चाहती। मैंने मेन पॉइंट जो है डायग्राम फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है। पारुल एक बार रीड कर लेते हैं, कर लीजिए पारुल। देखो ये मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और ये वाला बता दीजिए मेरे को फिर से। क्या हुआ नूर एक बार है ना, मैं बता दी मजिस्ट्रेट। देखो मैं बता देती हूँ, सिंपल सा है कि 167 की जो जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी कोई सा भी मजिस्ट्रेट दे सकता है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है नूर, अब जैसे मान लो कि नियरेस्ट और कितने दिन की दे सकता है, पुलिस कस्टडी तो मैक्सिमम 15 डेज की दे सकता है, डन। और जो जुडिशियल कस्टडी है वो 60 और 90 डेज की जैसे हम पढ़ के आए वैसे मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन मान लो कि नियरेस्ट कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं मिल रहा है तो वो पुलिस वाला कहाँ लेकर चला जाएगा उसको, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या, सॉरी हमने पढ़ा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी दोनों दे सकता है, लेकिन जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात आती है ना तो वो पुलिस कस्टडी नहीं दे सकता। नूर समझ में आया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास पुलिस कस्टडी नहीं दे सकता, 15 दिन 10 दिन 7 दिन कुछ भी नहीं दे सकता, लेकिन जब उसकी बात आती है जुडिशियल कस्टडी की, जुडिशियल कस्टडी की बात आती है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है, जब तक एम्पावर्ड नहीं हो हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, वैसे मान लो कि मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हूँ लेकिन मुझे कुछ एम्पावरमेंट नहीं मिली है, स्पेशल पावर नहीं मिली है, तो मैं जुडिशियल कस्टडी नहीं दे सकती, लेकिन मुझे हाई कोर्ट ने एम्पावर कर दिया ना तो मैं जुडिशियल कस्टडी दे सकती हूँ, डन। कौन, 3 लोग हैं यहाँ पे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वो दोनों दे सकता है, जेसीपीसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास पीसी नहीं दे सकता, जेसी दे सकता है लेकिन एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर कन्फर करी गई है वो दे सकता है 167, लेकिन सिर्फ 7 दिन की। ठीक है, अब समझ में आया, सबको समझ में आया, एक बार हैंड रेज कर दो कि कौन कौन सा मजिस्ट्रेट 167 के वो दे सकता है जेसीपीसी। अब आ जाइए पढ़ लेते हैं। देखिए ये स्टार्ट कब हो रहा है, जब 24 घंटे कंप्लीट हो गए लेकिन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो। वेयर एवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड इन डिटेन इन कस्टडी एंड इट अपीयर्स दैट द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स अंडर सेक्शन 157। ठीक है, and there are ground for believing that accusation is in and of information is well founded, the officer in charge of the police station and the officer making the investigation, if he is not below the rank of SI, okay, shall forbid transmit to the nearest judicial magistrate a copy of the entries in the diary herein after prescribed relating to the case and shall at the same time फॉरवर्ड द अक्यूज टू द मजिस्ट्रेट। सबसे कुछ भी नहीं बोला, बस ये बोला है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास भेज देंगे यदि 24 घंटे में खत्म नहीं होती है आपका इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिख लीजिएगा, मैं ज्यादा नहीं बता पाया क्योंकि आप कंफ्यूज जाते, तो जो पॉइंट नए निकल के आ रहे हैं ना उन पे हाईलाइट कर लीजिएगा कि जैसे जब नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अक्यूज को भेजा जा, जब नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि सर प्लीज इसको कस्टडी दीजिए, तो उस टाइम आपको फर्स्ट टाइम में अक्यूज को प्रोड्यूस करना होता है, साथ ही साथ उसकी जो भी कॉपीज है, एंट्रीज इन द डायरी मतलब केस डायरी प्लस अक्यूज्ड, इन दोनों को आपको नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करना होता है। ठीक है, अब हमने दूसरा क्या पढ़ा था, 15 डेज, फर्स्ट 15 डेज में पुलिस कस्टडी मिलेगी, तो यही लिख रहा है कि द मजिस्ट्रेट टू हूम एन अक्यूज्ड पर्सन इज फॉरवर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे whether he has or has not jurisdiction to try a case, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम authorize the detention of the accused in such custody as the magistrate thinks fit. भाई कोई सी भी कस्टडी दे सकता है, चाहे जुडिशियल हो चाहे पुलिस कस्टडी हो, लेकिन पुलिस कस्टडी के लिए लिखा है for a term not exceeding 15 days in the whole, पूरी मतलब जो in the whole, ठीक है, स्टार्टिंग के 15 दिन में क्या दे सकता है, वो स्टार्टिंग के 15 दिन में ही पुलिस कस्टडी दे सकता है, एंड इफ he has no jurisdiction to try the case or commit her for trial and considers further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to a magistrate having jurisdiction. समझ में आया, जिस ऐसा मजिस्ट्रेट जिसके पास में jurisdiction नहीं था लेकिन nearest मजिस्ट्रेट था, उसने वो फर्स्ट के 15 दिन में judicial custody भी दे सकता है, पुलिस कस्टडी भी दे सकता है, लेकिन इनिशियल 15 डेज में ही पुलिस कस्टडी देगा। अब उसको लगता है कि भाई फर्दर डिटेंशन जरूरी है, तो फर्दर डिटेंशन के लिए वो किसको भेज देगा, वो जो है ना
पीसी के लिए किसको भेज देगा? ओजेसी के लिए, जुडिशियर मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिडिक्शन। एक बार हैंड रेस कर दो। 15 दिन वाला तो कोई सा भी हो सकता है, 15 दिन वाला कोई सा भी हो सकता है, लेकिन अब 15 दिन के बाद वाला जो 90 और 60 दिन वाला है वो कौन होगा? मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिडिक्शन। अब देखिए, प्रोवाइडेड दैट, अब हमें हमें याद रखना है 60 दिन, 60 दिन मतलब अप टू 10 और 90 दिन मतलब नॉट लेस देन 10, ठीक है। तो इन्होंने कहा अ मजिस्ट्रेट में ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज पर्सन, अ मजिस्ट्रेट में ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज पर्सन अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट एडिक्वेट ग्राउंड एग्जिस्ट फॉर डूइंग सो, बट नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज पर्सन इन द कस्टडी अंडर दिस पैराग्राफ, मतलब पुलिस ज्यूडिशियल कस्टडी वाली बात करिए, फॉर अ पीरियड नॉट टोटल पीरियड एक्सीडिंग 90 डेज वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ एलाई और इम्प्रीजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन, एक बार करिए पीडीएफ पे क्लिक करती हूँ। पर मैं एक चीज और बोलना चाहती थी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना एक चीज को हाईलाइट कर लीजिएगा आप सभी, ये सब हाईलाइट कर लेना, देखिए ये वाला है ना, मैं एक बार हाईलाइट कर लेती हूँ कि सच कस्टडी ऑथराइज डिटेंशन इन सच कस्टडी, सच कस्टडी मतलब पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी लिख लीजिएगा, और अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस, तो मतलब यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ बात की जा रही है जो बियॉन्ड द 15 डेज, मतलब यहाँ पे सिर्फ जुडिशियल कस्टडी की बात की जा रही है, ठीक है। ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ आप लोगों के लिए, कंफ्यूज मत होना। अब मैं इसको म्यूट कर, 90 डेज के बारे में अगर पढ़ लेते हैं, जहाँ डेथ जहाँ ऑफेंस पनिशेबल है डेथ एलआई और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 10 ईयर, देखो चिल्ला चिल्ला के बोलो नॉट लेस देन 10 ईयर है, वहां पे 90 डेज है। अब नेक्स्ट पढ़ो, आ जाइए नीचे, 60 डेज वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एनी अदर ऑफेंस, ठीक है। ये केस लॉ से डिसाइड हो चुका है कि वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, अप टू 60 डे अप टू वो है, तो ये 60 डेज अप टू 10 ईयर है, नॉट लेस देन है तो 90 डेज, एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 90 डेज और 60 डेज एज द केस मे बी द अक्यूज्ड पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल If he is prepared to or does furnish bail, and every person released on bail under this subsection shall be deemed to be released under the provision of 33 for the section. देखो default bail की बात की गई है, किसकी बात की गई है? Default bail की बात की गई है. Done. As a matter of right claim कर सकते हैं 60 दिन 90 दिन में complete नहीं हुआ investigation. अब आ जाइए. No magistrate shall authorize detention of the accused in the custody of the police under this section. अब देखो मैं इसकी बता देती हूँ, रश्मि जी बता भाई कि जब भी है ना पुलिस कस्टडी में भेजना होता है ना, तो हमेशा अक्यूज को सामने खड़ा रखना पड़ता है, समझ लो, मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा, इन पर्सन खड़ा रहना पड़ेगा, चाहे फर्स्ट टाइम हो चाहे एवरी टाइम हो। तो देखो पढ़ लेते हैं एक बार, कि नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथोराइज डिटेंशन, एक बार बता दीजिए, ये बताऊं क्या मैं पारुल, ये वाला बी वाला बता दो, बता दो। देखो यहाँ पे बोला गया है कि जैसे पुलिस कस्टडी है, ठीक है, तो पुलिस कस्टडी में आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक सेकेंड, पुलिस कस्टडी में हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा स्टार्टिंग में इन पर्सन और हर टाइम एवरी टाइम इन पर्सन ही उस पर्सन को प्रोड्यूस करना है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में बहुत मार पिटाई होती है, तो उसकी शक्ल जो है ना वो दिखनी चाहिए, चाहे आप वीसी से करवा दो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू करवा दो, पर या तो इन पर्सन कर दो, अब जैसे अभी टेक्नोलॉजी आई है तो वीसी के थ्रू भी उतरते, पर जनरली क्या होगा उसको उसको मजिस्ट्रेट हर दिन मजिस्ट्रेट जो ना हर डे उसको देखेगा, फर्स्ट डे जब उसको जब उसकी सेंक्शन कर रहे हैं पीसी, और एवरी डे जब वो पीसी में पुलिस कस्टडी में रह रहा है, हर दिन उसको इन पर्सन कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, फिर वीसी के थ्रू उसकी शक्ल दिखाई जाएगी, उसको ज्यादा तो पीटा नहीं गया ना। और जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है, इन पर्सन होता है, फर्स्ट टाइम में इन पर्सन प्रोड्यूस करना पड़ेगा जुडिशियल कस्टडी में फर्स्ट टाइम, और सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली आपको जरूरी नहीं है यहाँ पे कि आप इन पर्सन करो, आप इन पर्सन भी कर सकते हो और थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज भी कर सकते हो। तो ओवरऑल कहने का मतलब है पीसी में इन पर्सन होता है जनरली, पर अभी वीसी के थ्रू भी होता है, जनरल प्रैक्टिस में बोल रही मैं आपको, पर लिखा हुआ इन पर्सन ही है, ठीक है, पर जेसी में इन पर्सन भी हो सकता है, और फर्स्ट टाइम में इन पर्सन होगा और सब्सिक्वेंटली इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के थ्रू भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पढ़ लो, No magistrate shall authorize detention of the accused in the custody of the police under this section
unless the accused is produced before him in person for the first time and subsequently every time till the accused remains in the custody of the police. But the magistrate may extend further detention in judicial custody on production of the accused either in person or through the medium of electronic video linkage. I hope समझ में आ गया होगा. एक बार hand raise कर दो. पुलिस कस्टडी में हमेशा इन पर्सन लाना पड़ता है, जुडिशियल कस्टडी में वीडियो लिंकेज के थ्रू काम चल जाएगा. ठीक है, ये कुछ ठीक है. लेकिन अब ऐसा नहीं है, समझना, डिफॉल्ट बेल की बात करी ना हमने 60 और 90 दिन के अंदर. मान लो कि मोहन नाम के पर्सन को बोल दिया कि 60 दिन और 90 दिन में उसका इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट नहीं हुआ, डिफॉल्ट बेल एंटाइटल्ड है, लेकिन वो बेल फर्निश ही नहीं कर रहा. तो ऐसे थोड़ी बेल फर्निश नहीं कर रहा, डिफॉल्ट बेल छोड़ दिया जाएगा. तो यही लिखा है एक्सप्लेनेशन वन में. और इसमें सिंपल सा पॉइंट है कि भाई आप बोल रहे हो मैटर ऑफ राइट है, मैटर ऑफ राइट है, तो भाई मैटर ऑफ राइट के लिए क्लेम भी तो करना पड़ेगा ना. रिलेक्टेंट है जो पर्सन जो अपने राइट्स को कोर्ट में जाके अप्लाई नहीं करना चाहता, तो उस पर्सन के लिए कोई रेमेडी नहीं मिलेगी. मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे अक्यूज शैल बी डिटेन इन कस्टडी सो लॉन्ग ही डज नॉट फर्निश द बेल. उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी. अगर उसने एप्लीकेशन नहीं लगाई तो हम उसको कस्टडी में रखेंगे. कस्टडी जुडिशियल कस्टडी होगी, जुडिशियल कस्टडी में उसको रखेंगे तब तक वो एप्लीकेशन ना लगाए. और एक्सप्रेशन टू सिंपल सी बात बोलता है कि यहाँ पे जैसे जैसे आपने बोला कि भाई इन पर्सन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन पर्सन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कैसे प्रूव करोगे भाई, हाउ? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अक्यूज जो है ना, या तो उसके सिग्नेचर करवा लो प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट पे, या फिर मैजिस्ट्रेट के सिग्नेचर हो जाए ऑर्डर. तो मतलब ये अक्यूज के सिग्नेचर हो रहे हैं और मैजिस्ट्रेट के सिग्नेचर हो रहे हैं. एक डॉक्यूमेंट है, देख लेंगे हम डॉक्यूमेंट कौन सा है. उस डॉक्यूमेंट पे साइन होने का मतलब है कि अक्यूज हर समय, सॉरी हर दिन मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया है. एक बार मैं पढ़ देती हूँ. अक्यूज पर्सन वेदर एन अक्यूज पर्सन वॉज प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट एज रिक्वायर्ड इन क्लॉज बी, हमने पढ़ा इसमें प्रोड्यूस किया गया. द प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज पर्सन मे बी प्रूव्ड बाय हिज सिग्नेचर, तो खुद के सिग्नेचर हो जाएंगे. ऑन द ऑर्डर ऑथराइजिंग डिटेंशन, उसके डिटेंशन ऑर्डर के उस पे सिग्नेचर होने चाहिए. और बाय द ऑर्डर सर्टिफाइड बाय मजिस्ट्रेट एज द प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज, मतलब मजिस्ट्रेट के और अक्यूज के सिग्नेचर ये इस चीज का प्रूफ होंगे कि अक्यूज को प्रोड्यूस किया गया. पर यहाँ पे एक विमेन जो है, जो 18 साल से कम की है, विमेन जो कि 18 ईयर से कम की है, उनको उसको जब भी आप जेसीपीसी देंगे, जब भी आप जेसीपीसी देंगे तो आप रिमांड होम में और रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन में ही रखेंगे. अब ऐसा पता है ये चीज अप्लाई नहीं होगी. वैसे जे जे एक्ट आ चुका है, ये फोर्थ है, हाँ 2009 से है. जे जे एक्ट हमारा 2015 का है ना, तो ये चीज की एप्लीकेबिलिटी है नहीं, पर याद कर लेना, पूछ लेते हैं. तो रिमांड होम मतलब 18 ईयर से बिलो की विमेन है तो वो जे जे एक्ट में डील होगी, यहाँ भी डील होनी नहीं चाहिए, पर उसको फिर भी हम याद करेंगे क्योंकि पुराना पॉइंट है. तो रिमांड होम और सोशल रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन में हम उसको, ठीक है ना, बाकी का एग्जीक्यूटिव. सेकंड ए वाला जो है ना पॉइंट, ये ईएम वाला है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं और इसको भी पढ़ लूंगा. पढ़ देते कि नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन. हेलो पारुल, इसको भी पढ़ना ईएम वाले को. नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन सेम है, और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन इफ इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सब इंस्पेक्टर मे, वेयर अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट अवेलेबल, transmit to the nearest executive magistrate on whom the power of judicial magistrate or metropolitan magistrate have been conferred a copy of the entry in the diary with same in the diary herein after prescribed to the case shall at the same time forward the accused to such EM and thereupon such executive magistrate may for the reason recorded in writing authorize the detention of the accused person in such custody as he may think fit, matlab dono chahe police chahe PC chahe JC but for a term not exceeding 7 days in the aggregate and on the expiry of the period of detention so authorized the accused person shall be released on bail except where an order of further detention of the accused person has been made by a magistrate competent to make such order, matlab judicial magistrate yadi aage bolta hai to theek hai, otherwise wo bail pe release ho jayega.
and where an order for such further detention is made, the period during which the accused person was retained in the custody under the order made by an EF under this subsection shall be taken into account. समझ गए? 15 दिन की बात है, यदि 7 दिन के बाद में कोई दे रहा है, टोटल 15 दिन, तो उस 15 दिन में वो 7 दिन ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए जाएंगे. चाहे 90 दिन की बात है तो वो 7 दिन जो ईएम ने दिए इंक्लूड कर लिए जाएंगे, चाहे 60 दिन की बात हो, जो 7 दिन ईएम ने दिए वो सब इंक्लूड कर लिए जाएंगे. प्रोवाइडेड दैट बिफोर द एक्सपायरी, हम भी पढ़ चुके हैं कि प्रोवाइडेड दैट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड अफोरसेड द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट द रिकॉर्ड्स ऑफ द केस टुगेदर विद द कॉपी ऑफ एंट्रीज एंड ट्रांसमिटेड टू हिम बाय द ऑफिसर इन बस सेम. कि भाई जब खत्म होने वाले 7 दिन, उससे पहले ही वो क्या करेगा, नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज देगा. अ मजिस्ट्रेट ऑथोराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस, भाई पुलिस कस्टडी कोई कर रहा है मजिस्ट्रेट, तो उसको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे. और यदि सीजेएम के अलावा ये सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जहाँ पे आप पीसी ऑथराइज करोगे ना, जहाँ पे आप पीसी ऑथराइज कर रहे हो वहां पे मजिस्ट्रेट को रीजन रिकॉर्ड करने पड़ता है कि भाई क्यों पुलिस के डंडे खिलाना चाहते हो आप अक्यूज, अक्यूज को पुलिस के डंडे क्यों खिलाना चाहते हो पुलिस में, इसके रीजन बताने पड़ेंगे. अब फिफ्थ और सिक्स को समझ लीजिए. फिफ्थ सिक्स एक अलग ट्रैक है, ऐसा मान लीजिए कि ये अलग सेक्शन है. 156 के जो 5 और 6 है ना, ये अलग है, अलग दुनिया है. ठीक है, क्या है इसमें, सिंपल सा पॉइंट है कि अब इसको वो चीज खत्म हो चुकी है, इसके हाथ जोड़ लेना आप, क्योंकि बहुत बड़े, बहुत ही 167 बहुत ही बड़ा सेक्शन हमारा, हमने डिस्कस कर लिया, तो आप उसको अब टाटा बाय कर दीजिए हम अभी के लिए. अब दूसरी चीज में आ जाइए, यहाँ पे हम दूसरा प्रोविजन डील करेंगे, समन केसेस. समन केसेस जो होता है, जो समन केसेस जहाँ पे 2W में डिफाइन है, जहाँ पे पनिशमेंट 2 ईयर से कम की होती है, 2 ईयर या 2 ईयर से कम की इम्प्रिजनमेंट होती है, जहाँ पे समन केस की जो इन्वेस्टिगेशन है ना, वो 6 मंथ्स के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर, कब से 6 मंथ्स, 6 मंथ्स जब से हमको, हमने अक्यूज को अरेस्ट किया है, अक्यूज को अरेस्ट किया है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए. किसकी, समन केसेस. क्वेश्चन आपका बनेगा कि समन केसेस की इन्वेस्टिगेशन कितने टाइम पीरियड में खत्म हो जानी चाहिए, 6 महीने के अंदर जब से हमने अक्यूज को अरेस्ट किया है. पर 6 मंथ्स खत्म हो गए मान लो, अब कंप्लीट हुई नहीं हमारी, तो उस केस में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, आपकी इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करने का यहाँ पे ऑर्डर दे देगा मजिस्ट्रेट. यहाँ पे मजिस्ट्रेट यहाँ पे स्टॉप करने का ऑर्डर दे देगा. ठीक है, मजिस्ट्रेट यहाँ पे स्टॉप करने का ऑर्डर दे देगा. ठीक है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन को, अनलेस द ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन सेटिस्फाई द मजिस्ट्रेट दैट फॉर स्पेशल रीजन. अब देखिए यहाँ पे 6 मंथ्स के बाद यहाँ पे मजिस्ट्रेट बोलेगा कि भाई स्टॉप कर दो, ये इन्वेस्टिगेशन 6 महीने खत्म हो चुके, अब इसको स्टॉप कर. पर 2 केसेस में वो अलाउड कर देगा, 2 केसेस में अलाउड कर देगा जहां पे उसको लगता है स्पेशल रीजन है कि ठीक है 6 महीने के बाद भी अलाउड कर देगा. 2 रीजन नहीं, सॉरी प्लस में है, ये साइमल्टेनियस है कि दो, एक स्पेशल रीजन होनी चाहिए और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है. अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है और स्पेशल रीजन है तो 6 महीने के बाद भी वो इन्वेस्टिगेशन चल जाएगी अगर मजिस्ट्रेट ने सब. अब सपोज करो समन केसेस थे हमारे, उसके उसमें हमने अक्यूज को अरेस्ट किया, उसके 6 मंथ्स तक इन्वेस्टिगेशन ओवर नहीं, कंप्लीट नहीं, तो मजिस्ट्रेट ने अपना हुक्म चलाते हुए बोला कि आज से सारी इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर दो, खत्म करो, नहीं होगा. अब पुलिस ऑफिसर का दिमाग खराब, पुलिस ऑफिसर को लगा था कि भाई केस तो बन रहा है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के ऊपर कौन होता है, कोर्ट ऑफ सेशन. मजिस्ट्रेट जो है इसके ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन होता है, तो पुलिस ऑफिसर कोर्ट ऑफ सेशन के सामने गिड़गिड़ा के बोलेगा कि सर प्लीज आप ऐसा कीजिए ना, मजिस्ट्रेट ने तो क्या करा कि 6 महीने बाद इन्वेस्टिगेशन सर हमसे कंप्लीट हो ही नहीं, बहुत सारे विटनेस है सर, तो मजिस्ट्रेट ने उसको स्टॉप कर दिया. सर प्लीज, मजिस्ट्रेट ने जो स्टॉप करने का ऑर्डर दिया, सर प्लीज आप उसे वेकेट कर दीजिए, मतलब जो वेकेट द ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर दिया गया उसको खत्म कर दीजिए. अगर कोर्ट ऑफ सेशन को बाद में दम लगा तो कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर यहाँ पे दे देगा विद रिगार्ड टू बेल एंड अदर मैटर्स. ठीक है, एक बार पढ़ लेते पारुल इसको. Investigation is not concluded within a period of 6 months from the date on which the accused was arrested. The magistrate shall make an order stopping further investigation into the offence unless
The officer making the investigation satisfies the magistrate that special reasons and in the interest of justice, the continuation of the investigation beyond the period of 6 months is necessary. ठीक है? Where any order stopping further investigation into an offence has been made under subsection 5, the session judge may, if he is satisfied on the application made to him or otherwise, that further investigation into the offence ought to be made, vacate the order, मतलब जो order दिया उसको vacate कर देगा under subsection 5, and direct further investigation to be made into the offence subject to such direction with regards to bail and other matters as he specified. As means. ठीक है, तो overall हमने जो इन्वेस्टिगेशन के मेन नहीं पूरे सेक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए, जो 174 से लेकर 176 तक का पार्ट है फारुल, वो आप करवाएंगे इंक्वेस्ट रिपोर्ट के रिगार्डिंग, वो डील है ना, वो कल डील करेंगे कुछ। अब यहाँ पे एक बार दो तीन केसेस हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो देख लेते हैं फटाफट से। आप लिख लीजिए उनको, पहला केस शैलेश कुमार, जो मैंने आपको रिसेंट केस बताया था, शैलेश कुमार वर्सेस यूपी, ठीक है, इसमें लिखा गया था एफआईआर बुक इज डिफरेंट फ्रॉम जनरल बुक, जनरल डायरी, एफआईआर बुक जो है वो आपकी जनरल डायरी से डिफरेंट। एक बार मुझे व्हाइट बोर्ड चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ट्वेंटी का जजमेंट है ये, ठीक है, तो ये है शैलेश कुमार वर्सेस यू, ठीक है, 2024 एफआईआर बुक इज डिफरेंट फ्रॉम जनरल डायरी, जनरल डायरी को मैंने आपको बताया था स्टेशन डायरी भी हम बोलते हैं, ठीक है, तो आपको इसमें बोला गया था कि एफआईआर बुक अलग है, एफआईआर बुक में आपको एफआईआर के कंटेंट लिखने हैं और जनरल डायरी में आपको जो भी जनरल कंटेंट है, जनरल स्टेशन के रिगार्डिंग जो भी सर्कमस्टांसेस है, मैटर्स है, उनको डिस्कस करना है, इतना सा लिखना है आपको, हेल्डिंग हैंडली लिखनी है, हमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना है ना। तो नेक्स्ट है अग्नू नागेशिया वर्सेस बिहार, स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, 1966 का केस है ये इंपॉर्टेंट केस है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें बताया गया था एफआईआर की एविडेंशियल वैल्यू क्या है, तो एफआईआर जो है वो हमारा सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है, पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है, क्या होता है फिर मैम, फिर ये हमारा किसमें यूज होता है, ये हमारा यूज होता है कोरोबरेशन में और कॉन्ट्राडिक्शन में, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन में, कोरोबरेशन का सेक्शन 157 एविडेंस एक्ट है और 145 एविडेंस एक्ट है, लिख लीजिएगा एविडेंस का नाम, एविडेंस एक्ट है, है ना, ठीक है, लिख लिया सभी ने, आगे चले, यस मैम, आगे चलते हैं, फिर लिखिए ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, यूपी के दो केस देख लिया, शैलेश वाला देख लिया और एक ही देख लिया, 2014 का केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, और इस केस में क्या हैंड हुआ था, इस केस में क्या बोला गया कि रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज अंडर सेक्शन 154 इफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, सीओ मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, और सेम ना ललिता कुमारी वाली हेल्डिंग जो है ना ये भजन लाल में भी की है ना, पर रहन दीजिए आप ना, एक केस लिख लीजिए, कंफ्यूज मत कीजिए,
अच्छा, और इस केस में ये भी बोला जो आपको बताई थी ना मैं ललिता कुमारी, इस केस में ये भी बोला कि इन इस केस में कि इन फॉलोइंग केसेस, इन फॉलोइंग केसेस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का सेक्शन कौन सा था? अंडर सेक्शन 159 मैंने आपको बताया था, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कैन बी कंडक्टेड। Before registration of FIR दर्ज होने से पहले आप preliminary inquiry कर सकते हैं। किन किन केसेस में आपसे डिस्कस किया था ये पॉइंट भी, matrimonial, ठीक है, सेक्शन जो 159 ना ये तक क्लियर नहीं है। देखिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है पूरी जितना इसके रिगार्डिंग बताया गया है, पर ये क्लियर नहीं है अभी, है ना। तो जो मैंने आपको बताया है प्लीज आप वो देख लीजिएगा, उससे ज्यादा भी बताया नहीं गया है ना। मैट्रिमोनियल, मेडिकल नेग्लिजेंस डिस्प्यूट, मेडिकल नेग्लिजेंस, कमर्शियल नेग्लिजेंस ये कर लीजिएगा, स्पेलिंग में से बहुत मिस्टेक होती है, ठीक है, और कमर्शियल डिस्प्यूट्स, करप्शन केसेस, और लास्ट वन वेयर एबनॉर्मल डिले इन, अबनॉर्मल एबनॉर्मल डिले इन इन फाइलिंग एफआईआर। तो इन केसेस में एफआईआर दर्ज होने से पहले पहले क्या होगा, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है कोर्ट के थ्रू मजिस्ट्रेट, ठीक है, लिख लिया सभी ने, एक बार बताओ फटाफट से, एक बार रेज हैंड कर दीजिए, सब लिख लिया तो प्लीज एक बार कोई भी बोल दीजिए। यस मैम, ठीक है, फिर है हरेंद्र राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2023 का केस है ये, हरेंद्र राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। एफआईआर जो है ना इज पब्लिक डॉक्यूमेंट, पीडी मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट, लिख लीजिएगा। एफआईआर जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट है अंडर सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, एविडेंस एक्ट के जो 74 में एफआईआर पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अक्यूज्ड वाज, अक्यूज्ड एंटाइटल्ड है, अक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड फॉर कॉपी ऑफ एफआईआर, ठीक है, लिख लीजिए। अगर चले ये केस लिखिए सीकरी वासु, सीकरी वासु वर्सेस यूपी, यूपी के बहुत केस है भाई, 2008 का केस है। इस केस में क्या हुआ देखते हैं, ओके ओके इसमें देखो बता समझा देती हूँ मैं आपको। जैसे मजिस्ट्रेट ने, आप मजिस्ट्रेट के पास गए, मजिस्ट्रेट के पास गए क्योंकि पुलिस ऑफिसर जो है ना वो आपकी रिपोर्ट को दर्ज नहीं कर रहा, तो आपने मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल, मजिस्ट्रेट को आपने बोला, तो मजिस्ट्रेट ने 156 के 3 में आपको को पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया मजिस्ट्रेट ने, जब आपकी कंप्लेंट, आपकी पुलिस पुलिस रिपोर्ट एफआईआर जो है वो अगर पुलिस वाले ने रिकॉर्ड नहीं की, तो मजिस्ट्रेट ने 156 के 3 में पुलिस ऑफिसर को बोला कि जाके भाई इन्वेस्टिगेशन करो आप। पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर उसको दिया, पर इसने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। तो जो बंदा है जो मजिस्ट्रेट को बोल रहा है कि सर ऐसा इन्वेस्टिगेशन करवाइए, वो ऐसा नहीं है, उसको फिर से मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बंदा हाई कोर्ट के पास जाएगा अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी और 226 कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ में आई आपको, ये सेक्शन, ये सीकरी वासु में ये हुआ था, आप इतना समझ लीजिए इसको, क्योंकि इतना लिखने की कोई नीड नहीं है, इम्पोर्टेंट केस है,
मतलब आपको पता होना चाहिए कि जब मजिस्ट्रेट ने 156 के 3 में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर दी है पुलिस ऑफिसर को, और पुलिस ऑफिसर फिर भी बात नहीं मान रहा। देखो 154 में हमने पढ़ा था कि पुलिस ऑफिसर जो है आपकी एफआईआर लॉज ही नहीं कर रहा, ठीक है। अब आप मजिस्ट्रेट के पास जाओगे, मजिस्ट्रेट को आपने जब बोला कि सर मेरी एफआईआर लॉज नहीं हो रही, तो उसने लॉज जो उसको पुलिस ऑफिसर को 156 के 3 में इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे दिया और एफआईआर लॉज करने के लिए बोला। अब पुलिस ऑफिसर इस ऑर्डर को मान रहा नहीं, तो आप ऐसा मत कीजिए कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास अप्रोच किए, आप मजिस्ट्रेट को जाकर शिकायत कीजिए। और मजिस्ट्रेट जो है ना, ऐसा है कि मजिस्ट्रेट फर्दर ऑर्डर कर सकता है, सेकंड ऑर्डर भी मजिस्ट्रेट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन देने का। आपको जरूरी इस पुलिस ऑफिसर को बोले, दूसरे पुलिस ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन करवा लेगा। ये बोला गया सिकरी बात, तो मैं समझ लीजिए इस केस को, ठीक है। आगे चले, एक केस मैंने आपको बताया था का नंदिनी सतपति वर्सेस पी एल दानी, नंदिनी सतपति वर्सेस पी एल दानी 1978 केस है आपका। इस केस में बोला गया था कि सेक्शन जो है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है ना, वो प्रोटेक्शन देता है, गिव प्रोटेक्शन टू विटनेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ये किस सेक्शन के रेफरेंस में है? ये सेक्शन है आपका 161 के रेफरेंस। मैंने आपको कल बताया था कि 161 में जो पुलिस के सामने जब आप पुलिस आपको एग्जामिन कर रही है ओरली, तो पुलिस को आप उस टाइम बोल सकते हैं कि सर ये कुछ क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर नहीं करूंगी, क्योंकि इनसे मैं क्रिमिनलाइज हो सकती हूँ, पेनल्टी फोर फ्यूचर में पढ़ सकती हूँ, मतलब मैं इस पर पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर आपको कंपेल नहीं करेगा कि आपको स्टेटमेंट करने पड़ेंगे, बिकॉज यू हैव अ प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3। तो ये प्रोटेक्शन आपको विटनेस को भी मिलता है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी मिलता है। ये किससे हुआ था? नंदिनी सतपति वर्सेस पीएल, ठीक है। केस मैंने आपको लिखवा दिया। एक केस है बाबू भाई वर्सेस गुजरात, मैंने छोटा लिखवाया नाम, आगे और भी है इसके ना, परमार करके करके है, पर मैंने नहीं करवाया आपको ना, गुजरात, ये स्पेलिंग सही कर लेना प्लीज, है ना, गुजरात। बाबू भाई वर्सेस गुजरात का केस है। यहां पे बोला गया कि कन्फेशन ऑन ओथ पे कन्फेशन लिया इज इलीगल, कन्फेशन ऑन ओथ इज अ इलीगल, पर ओथ पे कन्फेशन ली जाएगी तो वो इलीगल हो जाएगी, ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। काफी है, बहुत ज्यादा हमने कर लिया यहाँ पे। सीबीआई वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी, ये भी कर लीजिए। अर्णेश कुमार का केस भी इंपॉर्टेंट है वैसे यहाँ पे, पर हम इंपॉर्टेंट केस कर रहे हैं, अनुपम, सीबीआई वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी, ठीक है। वैसे अगर आप गूगल सर्च करेंगे ना तो आपको केसेस मिल जाएंगे, बहुत सारे अथाह केसेस हैं, पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ कि अनलिमिटेड केस आप करके भी क्या करेंगे, नहीं कर सकते आप भी, है ना, सबकी कैपेसिटी है अपनी भी, इतना सीआरपीसी पहले तो पूरा पढ़ो फिर केसेस और करो, तो वो नहीं हो सकता। सीबीआई वर्सेज अनुपम जे कुलकर्णी में क्या बोला गया था कि जो पीसी होगी वो इनिशियल 15 डेज की ही होगी, ये बात इसमें बोली गई थी, मैंने आपको अर्णेश कुमार का रेफरेंस दिया था उसमें भी बोली गई थी, पर उसमें अरेस्ट की गाइडेंस ज्यादा थी, पर पीसी जो है वो आपकी इनिशियल 15 डेज की होगी, उसके बाद आफ्टर दैट ओनली जेसी, ये सीबीआई वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी में बोला गया, ठीक है, ये 1992 का केस है आपका, ठीक है। बस काफी है ये हमारे, मैंने आपको शायद 5 से 7 इसके केसेस लिखवा दिए, मोर देन सफिशिएंट है, ये कर लीजिएगा आप। उसके बाद अगर आपको केसेस की नीड हो तो मैं और प्रोवाइड करवा दूंगा, केसेस की कम नहीं है। अगर 157 का लॉन्ग क्वेश्चन आए तो क्या पूरा बेयर एक्ट में जितना प्रोविजन है उतना ही लिखना पड़ेगा पूरा? देखो 167 का ना, देखो कैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, मैंने आपको बताया भी था, देखो मैंने कैसे बताया था, देखो अश्मिता मैंने समझाया जिस अकॉर्डिंग है ना, अगर आप उस अकॉर्डिंग लिख गए तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। आपको कैसे लिखना है कि अगर सेक्शन 169 है तो हु
विच पुलिस ऑफिसर इज ऑथराइज्ड टू मेक एन एप्लीकेशन, तो यहाँ पर कि कौन सा पुलिस ऑफिसर जो है ना वो ऑथराइज्ड है उस एप्लीकेशन को करने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने, रिक्वेस्ट कौन करेगा, ठीक है? तो आपको लिखना है कि विच पुलिस ऑफिसर मेक अ रिक्वेस्ट फॉर पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी, पहला आपका ये पॉइंट होगा। फिर दूसरा आप लिखोगे विच मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड, फिर विच मजिस्ट्रेट इज ऑथराइज टू गिव जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी। मैंने आपको बताया नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, ईएम, जेएम, सेकंड क्लास, सारे बताए मैंने आपको एक साथ समराइज करके, वो लिखना है आपको। फिर थर्ड लिखना है कि पुलिस कस्टडी के बारे में आपको लिखना है कि पुलिस कस्टडी जो है उसके क्या प्रोविजन है। फिर आपको जुडिशियल कस्टडी के प्रोविजन लिखना है, पुलिस कस्टडी में आपको लिखना है कि पुलिस कस्टडी इनिशियल 15 डेज की होगी, अनुपम सीबीआई वर्सेस अनुपम जय कुलकर्णी का केस लिख देना है आपको। फिर आपको लिखना है कि पीसी में इन पर्सन प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, और पीसी जो है वो मैक्सिमम 15 डेज की होगी, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो पीसी ऑथराइज करने के, तो पीसी के रिगार्डिंग जितनी भी है ना सारे लिख दीजिए। फिर जेसी का लिखिए, जेसी जो है ऐसे ऑफेंस में कभी 60 डेज की होगी, फिर 90 डेज की होगी, जेसी जब ओवर जाती है तो उसके केस में डिफॉल्ट बेल के लिए एंटाइटल्ड है। तो ये सारे एक सेग्रीगेशन आपको अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ऐसा सेग्रीगेशन मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी बुक में मिलेगा। समझ गया अश्मिता, क्लियर है? पर लिखना पूरा पड़ेगा सेक्शन 167, ठीक है? तो आपका ये चैप्टर कंप्लीटेड है, थैंक यू सो मच। बाकी कल सुबह क्लास है, मॉर्निंग में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, गुड नाइट।